हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। मैं हूं सौरभ और एसएससी सीएचएसएल के यूट्यूब कोर्स में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक आप मेरा नाम जान ही चुके होंगे और आप लोग मुझसे पढ़ रहे हैं गणित यानी कि मैथ्स। आज का हमारा टॉपिक जो रहने वाला है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, क्लासिफिकेशन। इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा आपके साथ मैं डिस्कशन करना चाहूंगा। अभी तक आप 5 लेक्चर देख चुके हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स का। जैसे कि शुरुआती दौर में मैंने आपसे कहा था कि हम जो बेसिक से, यानी कि जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, जीरो से, और अच्छा खासा प्रैक्टिस करवाएंगे। तो जो भी टॉपिक मैंने लिए, सिंप्लीफिकेशन और सर्च इंडाइसिस, दोनों टॉपिक में मैंने लगभग 50-50 सवाल यहां पे आपको करवाए हैं। और इसके अलावा जो आपका पिछला हफ्ता था उसमें हमने आपको प्रैक्टिस शीट भी प्रोवाइड करवाया, अपार्ट फ्रॉम जो लेक्चर्स में मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, तो ये पीडीएफ यदि आप चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंपटीशन कम्युनिटी का वेबसाइट है, वहां पे आप उसको फ्रीली रजिस्टर कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी कोर्स में मटेरियल हम प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए आपको नीचे कंपटीशन कम्युनिटी का जो वेबसाइट है उसमें जाके आपको रजिस्टर करना होगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि हमारा जो भी वीडियो आ रहा है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल का भी डिस्क्रिप्शन वहां पे दिया हुआ है, तो उसमें भी हमारा नोटिफिकेशन जाते रहता है, उसको भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो टॉपिक है नंबर सिस्टम क्लासिफिकेशन, ठीक है, यानी कि संख्या पद्धति, इसमें अलग अलग तरीके के जो नंबर्स होते हैं इसका नाम जानना जरूरी है। तो थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है, इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि सवाल जो भी बनते हैं नंबर सिस्टम से उसमें कुछ डेफिनेशंस रहते हैं। जैसे कि आपको सम संख्या के बारे में पता होना चाहिए, इवन नंबर के बारे में पता होना चाहिए, परफेक्ट नंबर के बारे में पता होना चाहिए। ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें पता होना चाहिए, तभी जाके हम सवाल लगा पाएंगे नंबर सिस्टम के सवाल, जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो अभी जैसे कि हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन की, तो देखिए जैसे हम भी क्या है, तो हम इंसान है, हम जानवरों से अलग है, तो ये इंसान और जानवर जो है ये एक तरीके का क्लासिफिकेशन हो गया। उसी प्रकार नंबर्स में भी क्लासिफिकेशन होता है। अभी कुछ पिछले वीडियोस में जो हमने देखा उसमें मैंने कुछ कुछ चीजें आपको बता के रखी थी, फ्रैक्शंस के बारे में हमने डिस्कशन किया है ना, सर्ड्स के बारे में डिस्कशन किया। तो ये सारी चीजों को कनेक्ट मैं यहां पे करूंगा कि ये अलग अलग जो नंबर्स हम पढ़ रहे हैं जिसका कैलकुलेशन थोड़ा बहुत हम देखते आ रहे थे, ये है क्या, इनका नाम क्या है, जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है और हम फिर उसको सवाल हल नहीं कर पाते क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि होल नंबर किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। जब हमें ये छोटी छोटी बातें पता होंगी तभी जाके हम इसके सवालों को लगा पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरुआती दौर में मैंने आपको कहा था ये थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड टॉपिक है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक, हम जो नंबर सिस्टम फॉलो करते हैं डे टू डे बेसिस पे वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम, दशमलव जिसे हम हिंदी में कहते हैं, ठीक है, दशमलव संख्या पद्धति हम फॉलो करते हैं। इसमें दस छुपा हुआ है, डेसी छुपा हुआ है। डेसी का मतलब होता है 10, यानी कि हम जो डिजिट्स यूज करते हैं उसमें 10 डिजिट्स हैं। वो डिजिट्स कौन कौन से हैं, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इसमें 10 अंक हैं, इसलिए इसका नाम डेसिमल नंबर सिस्टम पड़ा, दशमलव नंबर सिस्टम पड़ा। ठीक, एक सवाल जो आपके 3 साल पहले एसएससी के पेपर में पूछा गया था वो ये था कि आपको कन्वर्ट करना था डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल। इसका एक छोटा सा सवाल मैं आपको यहां पे करवा देता हूं, उसके बाद फिर हम जाएंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम जो है ये डेसिमल क्यों कहलाता है, वो आपको समझ में आएगा। जैसे कि मैंने कहा डेसिमल, डेसिमल का मतलब क्या है, जिसमें 10 डिजिट्स है। इसी तरह एक होता है बाइनरी, बाइनरी का मतलब क्या है, जिसमें 2 डिजिट्स। अब इस 2 डिजिट्स में केवल 0 और 1 यूज होता है, इसमें 0 से लेके 9 तक सारे नंबर्स जो है वो यूज होते हैं इसमें। ठीक है, तो एक सवाल जो आपके एग्जाम में पूछा गया था वो यही था कि आप डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करिए और बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करिए। तो हम जो यूज करते हैं सिस्टम उसमें 10 डिजिट्स है और ये जो बाइनरी सिस्टम है इसमें 2 डिजिट्स होते हैं। तो एक सवाल जो आया था कि 111 का आप डेसिमल नंबर है ये, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है बताइए, इसको आप बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करके बताइए कि क्या होगा। तो 111 जो है इसको कंफ्यूज करने के लिए आपको 111 ही दिया था, जो कि क्या है, एक दशमलव नंबर है। तो दशमलव नंबर है तो यहां 10 लगेगा, बाइनरी नंबर है तो इस ब्रैकेट के नीचे इस तरीके से हमें 2 लिखना होगा।
ठीक है, तो इसको कन्वर्ट कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले आपको इस 111 को 2 से डिवाइड करना चालू करना पड़ेगा। ये 55 बार कटेगा, रिमाइंडर बचेगा 1। 2 से काटोगे फिर 27 बार कटेगा, रिमाइंडर बचेगा 1। 2 से काटोगे 13 बार कटेगा, रिमाइंडर बचेगा 1। 2 से काटोगे 6 बार कटेगा, रिमाइंडर बचेगा 1। 2 से काटोगे 3 बार कटेगा, रिमाइंडर बचेगा 2। 2 से काटोगे 1 बार कटेगा और रिमाइंडर बचेगा 1। ठीक है, तो आपको इस तरीके से 2 से काटते जाना है। अगर शेषफल 1 बच रहा है तो 1 लिखोगे और उसका भागफल उसके नीचे लिखोगे। 2 को 55 से बांटने पर शेषफल 1 बच रहा था और भागफल 27 आ रहा था, तो 27 मैंने नीचे लिखा, 1 यहां पे लिखा। अब आपको करना क्या है, आपको ये जो संख्या है इसको नीचे से ऊपर की ओर इस तरीके से लिख देना है, तो आपका जो नंबर है बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब 1 1 आएगा, उसके बाद नीचे से स्टार्ट करोगे 0 और 4 बार 1, 0 1 2 3 4, 4 बार 1 आ गया। तो ये हुआ आपका बाइनरी इक्विवेलेंट इस नंबर का। अब उल्टा करते हैं, मतलब यहां से आपको इस तरफ जाना है, तब कैसे हम आएंगे उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो उल्टा जब आना है तो समझिए, ये तो हो गया डेसिमल टू बाइनरी। इसी नंबर को मैं वापस कैसे आना है ये समझा देता हूं। इसके लिए करना क्या होता है, आप जो भी नंबर सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, तो आप डेसिमल नंबर सिस्टम में जो नंबर हमने लिया उसके जरिए आपको ये काम करना होगा। अगर हम बाइनरी सॉल्व कर रहे हैं तो बाइनरी में आपका 2 है वो आपका रेफरेंस होता है। तो करना क्या होता है, आखिरी वाले नंबर में 2 के पावर 0 मल्टीप्लाई होता है, आखिरी जो संख्या है उसमें, यानी इस 1 में 2 के पावर 0 मल्टीप्लाई होगा, प्लस इसके अगले वाले में 2 के पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 होगा, अगले वाले में ये जो तीसरा वाला नंबर दिख रहा है इसमें 2 क्यूब स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 क्यूब आएगा अगले वाले में। ठीक, इसके बाद आपका 0 है तो इसके बाद मैं यहां लिख लेता हूं प्लस का 0, और इसके बाद जो है यहां पर एक्चुअली 0 जो था इसमें 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई होना है, तो वो 0 ही रहेगा मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर। इस वाले नंबर पे आपको 2 के पावर 5 मल्टीप्लाई करना होगा, और आखिर वाले में आपको 2 के पावर 6 मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए 2 के पावर 6 से सभी को ऐड करेंगे हम लोग, तो यहां से 64 आएगा 2 के पावर 6, फिर आएगा 32, अगला 0 था, 0 के बाद ये 2 के पावर 3 दिख रहा है जो कि हो गया 8, फिर 4, फिर 2 और लास्ट में 1। इसको एक बार जोड़ के देखते हैं, तो इन दोनों को जोड़ने पर 10 बन गया, इसको जोड़ने पर फिर से 10 बन गया, 10 प्लस 10 20 और 1 जुड़ा तो 21 बन गया। इसको यदि हम जोड़ेंगे तो यहां से 11 आ रहा है, तो 111 आ गया। तो ये है आपका डेसिमल नंबर, दशमलव। क्लियर? तो हम जो संख्या पद्धति फॉलो करते हैं एग्जाम में या नॉर्मल लाइफ में भी, वो डेसिमल ही फॉलो करते हैं। हालांकि ये सवाल एक एग्जाम में बन चुका है, तो मैं आपको यहां पर इसका ट्रिक बता के रखता हूं, क्योंकि अगले पिछले 5 साल में जो भी सवाल आए हैं उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा मेरे लेक्चर्स में। तो ये एक लेक्चर में स्टार्टिंग मैंने ये बताया इसलिए क्योंकि ये सवाल आपके एग्जाम में एक बार आ चुका है और वो विद इन 5 ईयर्स आया हुआ है। ठीक है, चलिए अब आपको समझ में आया होगा कि डेसिमल क्या होता है, बाइनरी डेसिमल में अंतर क्या है, बाइनरी टू डेसिमल कैसे जाना है, डेसिमल टू बाइनरी कैसे जाना है। अब सपोज करिए कि यहां पर कोई नंबर मैंने लिखा हुआ है 3278, इसको भी यदि हम कहें कि ये डेसिमल में है, तो मैंने क्या कहा कि जो नंबर डेसिमल में है तो उसमें आपको 10 के जरिए वो काम करना होगा, और वहां पे जो बाइनरी में था तो 2 के जरिए उसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करना था। तो यहां 8 में आपको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10 के पावर 0। इस 7 में आपको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10 के पावर 1। इस 2 में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 200, क्योंकि यहां 100 मल्टीप्लाई होगा। और आखिर वाला जो 3 है इसमें आपको 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कोई भी नंबर है उसको हम इस तरीके से तोड़ के लिख सकते हैं कि जो उसका जगह है उस जगह पे 1000 मल्टीप्लाई किया जाएगा। जैसे 3000 ही अंक था तो यहां पर 1000 मल्टीप्लाई होगा। 2 जो है वो सैकड़ा अंक है, मतलब 100 डिजिट है, तो इसमें 100 मल्टीप्लाई होगा। 7 जो 70वां है, तो यहां पर सॉरी 10वां दशमलव की जगह पे 10th प्लेस पे है, तो यहां 70 होगा। और यहां पे 8 जो है वो यूनिट डिजिट पे, तो यहां पर 1 मल्टीप्लाई। ऐसा क्यों होता है समझ में आया, क्योंकि ये दशमलव नंबर सिस्टम है, यहां पर 10 मल्टीप्लाई होगा। अगर बाइनरी नंबर सिस्टम है तो वहां पे 2 के पावर ऐसे मल्टीप्लाई होते चला जाएगा। क्लियर? चलिए, ये तो हो गया छोटा सा इंट्रोडक्शन कि हम नंबर सिस्टम में जो फॉलो करते हैं वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। अब हम आते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन के बाद हम चलेंगे क्लासिफिकेशन की ओर। सबसे पहले नंबर लाइन जो है उसको समझिए। नंबर लाइन क्या है? नंबर लाइन एक ऐसा लाइन है, ठीक, एक लाइन है जिसके मध्य पे, सेंटर पे क्या होता है, तो जीरो होता है। सेंटर पे क्या होता है, तो यहां पर एक जीरो आता है। ठीक,
जीरो से दाहिने ओर आप जाएंगे तो आपके धनात्मक संख्याएं आती है, पॉजिटिव नंबर्स, प्लस का एक, प्लस का दो, प्लस का तीन, प्लस का चार, इस तरीके से चलता रहेगा और ये इनफाइनाइट तक चलेगा। ठीक, जीरो से लेफ्ट ओर हम जाएंगे तो यहां पे माइनस का एक आएगा, माइनस का दो आएगा, माइनस का तीन आएगा, माइनस का चार आएगा और ये माइनस इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। लेफ्ट साइड में जो है नेगेटिव नंबर्स, ठीक, राइट साइड जाओगे तो ये बन जाएगा पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर्स। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? हिंदी वाले लिखेंगे दाएं तरफ जाना मतलब धनात्मक संख्या और बाएं तरफ जाना यानी कि ऋणात्मक संख्या, मध्य में क्या आएगा तो शून्य आएगा और दोनों तरफ ये इनफाइनाइट तक चलते हैं यानी अनंत तक चलते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया नंबर लाइन। नंबर लाइन समझने की आवश्यकता क्या थी? समझने की आवश्यकता यह थी कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का डिफरेंस यानी वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याओं का अंतर। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि आप ऐसी संख्या जो इस नंबर लाइन में अंकित कर सकते हैं उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं, और जो संख्या नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता उसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर्स। क्लियर? तो ये छोटी सी एक डेफिनेशन है। हालांकि ये जो काल्पनिक संख्या है ये हमारे सिलेबस में नहीं है। इसमें होता क्या है, इसमें एक नंबर आ जाता है आई, जो कि है स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एक, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एक। तो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एक यानी कि किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते, लेकिन इस इमेजिनरी नंबर में ऐसा कोई नंबर रहता है जिसमें आप वर्गमूल निकालते हैं एक इमेजिनरी नंबर का, सॉरी एक ऋणात्मक संख्या का जो कि होता है इमेजिनरी नंबर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको स्क्वायर रूट ऑफ माइनस चार निकालना है तो ये दो आई हो जाएगा। क्लियर? अगर आपको स्क्वायर रूट ऑफ माइनस थ्री निकालना है तो आई और इसके आगे रूट थ्री बन जाएगा, क्योंकि आई क्या है, आई है आपका माइनस वन का रूट और रूट थ्री, इस तरीके से आप इसको नोट डाउन कर सकते। तो इन दोनों को कंबाइन करके बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूं तो a प्लस आई बी होता है, ठीक है, जिसमें ये इसका इमेजिनरी पार्ट कहलाता है, ये आपका रियल पार्ट कहलाता है। तो हमारे सिलेबस में क्या है, तो हमारे सिलेबस में वास्तविक संख्याएं हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, इसके बारे में डिस्कशन हम नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब आएंगे हम रियल नंबर्स पे। जब हमने रियल नंबर जान लिया तो हम स्टार्ट करेंगे रियल नंबर यानी कि क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं कि रियल नंबर में कितने प्रकार के नंबर होते हैं। बहुत सारे बुक्स आप फॉलो कर रहे होंगे अलग अलग, इन बुक्स में कहीं ना कहीं रियल नंबर को डायरेक्टली क्लासिफाई कर देता है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में, यानी कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या में। मैं इसको आखिरी में दिखाऊंगा कि जितने भी नंबर्स मैंने यहां पे आपको दिखाया स्क्रीन पर, ये सारी नंबर्स में परमेय संख्या और अपरमेय संख्या कौन सी है, ये मैं आपको आखिरी में कनेक्ट करके बताऊंगा। धीरे धीरे करके हम चलते हैं आगे। ठीक, ब्रॉडेस्ट क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो हम यहां पर इंटीजर और फ्रैक्शन दो तरीके से इस रियल नंबर को क्लासिफाई कर सकते हैं। अभी अभी आपने एक नंबर लाइन देखा था, नंबर लाइन कुछ इस तरीके से था। मैंने यहां पर जो वैल्यूज लिखे थे, जीरो के बाद यहां पे वन लिखा, फिर टू लिखा, थ्री लिखा, इस तरीके से ये प्लस का इंफिनिटी तक जा रहा है और पीछे की ओर जा रहे हैं तो यहां से माइनस का एक आ रहा है, माइनस का दो, माइनस का तीन, ये माइनस के इंफिनिटी। तो ये जो नंबर मैंने लिखे हैं यही क्या है, तो ये इंटीजर्स है। क्या है? इंटीजर्स है, मतलब ये जो टू है, माइनस का टू, ये भी इंटीजर है, माइनस का वन, ये भी इंटीजर है, जीरो, ये भी इंटीजर है, वन भी इंटीजर है, टू भी इंटीजर। इसके बीच में जो वैल्यूज आ गए, मतलब यहां पे जो वैल्यूज मैंने नहीं लिखे, जो मैंने अंकित नहीं किए, ये सभी नंबर्स जो है वो फ्रैक्शन कहलाते हैं। ठीक है, मतलब जो डेसिमल वैल्यू आ गए बीच में वही आपके फ्रैक्शन कहलाते हैं। तो देखिए कहने का मतलब क्या है, मतलब कि अगर कोई नंबर है उस नंबर में कहीं ना कहीं एक बिंदु आता है, डेसिमल आता है, इस डेसिमल के लेफ्ट साइड कुछ नंबर होते हैं A, B, C, D, इस तरीके से, इसके राइट साइड कुछ नंबर होता है E, F, G, H, इस तरीके से। अगर इस नंबर के दशमलव मान के आगे कोई भी नंबर नहीं है तो ये एक इंटीजर होता है, पूर्णांक होता है, और अगर डेसिमल के आगे कुछ भी एक छोटा सा वैल्यू भी रह गया तो इसे हम फ्रैक्शन यानी कि इसको हम डेसिमल भी कह सकते हैं, मतलब दशमलव मान। ठीक है, दशमलव मान भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया क्या है। अब कोई भी संख्या जो हम लिखते हैं उसमें, जैसे मैंने यहां पर एक नंबर लिखा ए बी सी डी जो कि इसके अंक है, यहां पर दशमलव आ गया, फिर ई एफ जी एच आ गया,
तो इसमें जो वैल्यूज है प्लेस वैल्यूज, उसमें इस डी को हम कहते हैं यूनिट्स डिजिट, हिंदी में क्या कहेंगे तो इकाई का अंक आप लोग लिखेंगे। ये हो गया टेंस प्लेस दहाई का अंक, ये हो गया आपका हंड्रेड्स प्लेस सैकड़ा अंक, ठीक है। तो मतलब जो भी जहां पे जा रहे हैं आगे जो वैल्यूज है उसमें हंड्रेड के आगे आपको एस लगा देना है, और जब राइट साइड आप जाओगे तो ये जो पहला नंबर आता है ये टेंथ प्लेस कहलाता है, टेंथ टी एच लग जाता है, ये जो कहलाता है ये आपका हंड्रेड प्लेस कहता है, हंड्रेड, ठीक है, हंड्रेड डी टी एच आएगा यहां पर डी टी एच, ठीक। तो यहां पर आपका टीएच टीएच अगर लगता गया मतलब आप राइट साइड वाले अंकों की बात कर रहे हैं, केवल एस लगता गया तो आप लेफ्ट साइड वाले अंकों की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो इस तरीके से हम ये प्लेस वैल्यूज को डिफाइन करते हैं कि कौन सी जगह की प्लेस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं डेसिमल में यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू की बात हम करते हैं, कुछ क्लासिफिकेशन हम करेंगे। तो रियल नंबर का एक क्लासिफिकेशन है इंटीजर में क्लासिफाई करना और फ्रैक्शन में क्लासिफाई करना, नंबर लाइन के जरिए हम समझे कि इसका क्लासिफिकेशन में डेफिनेशन है तो क्या है। आगे बढ़ते हैं फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला क्लासिफिकेशन है प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, जिसे हिंदी में हम कहते हैं उचित भिन्न और विषम भिन्न। बहुत सिंपल सी बात है, अगर उचित भिन्न की हम बात कर रहे हैं तो एक से छोटा होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो एक से बड़ा होता है। जैसे कि अगर मैं उचित भिन्न की बात करूं तो उचित भिन्न में अगर मैं इस तरीके से कोई नंबर लिख रहा हूं डी बाई डी, तो ये एक से छोटा होगा, मतलब इसका जो कैपिटल डी न्यूमरेटर है वो एक से डिनोमिनेटर से छोटा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 3/4 हो गया, ठीक है, 7/9 हो गया, ठीक है, 2/3 हो गया, 1/8 हो गया। तो ये सारे नंबर क्या है, ये सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि ये सारे नंबर एक से छोटे हैं। जब मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करूंगा तो ये एक से बड़ा होता है, यानी कि अगर मैंने कोई भिन्न इस तरीके से लिखा हुआ है डी डिवाइडेड बाई डी, तो ये एक से बड़ा होता है, यानी इसका जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। तो कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे कैपिटल डी ग्रेटर देन स्मॉल डी, जैसे कि 3/2, जैसे कि 5/3, जैसे कि 7/2, ठीक है, जैसे कि 11/9। ये सारे नंबर जो है ये एक से बड़े हैं। आप देखिए इसका वैल्यू क्या है तो 1.5, इसका वैल्यू क्या है तो 1.6 के ऊपर बार, इसका वैल्यू क्या है तो 3.5, इसका वैल्यू क्या है तो ये हो जाएगा आपका 1.2 आ रहा है, 1.2222 इस तरीके से चलता रहेगा, या 1.29 आ रहा है तो यह सॉरी 1.2/9 आएगा, 1.2/9 इस तरीके से, ये रुकने वाला नहीं है, 1.2222 इस तरीके से ये बढ़ता रहेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.2 के ऊपर बार लिख सकते हैं, ठीक। चलिए ये तो कुछ बातें हो गई कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात क्या, ठीक। अब इसमें और भी क्लासिफिकेशन है, लेकिन उस क्लासिफिकेशन के तक बढ़ने के पहले ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि मिश्रित भिन्न के रूप में। तो ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसी को हम क्या कर सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। ये जो 3/2 है या तो आप इसको ऐसे लिखिए, या तो 1/2 लिखिए, बात एक ही है। ये 5/3 को ऐसे लिखिए, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2/3 लिख सकते हैं, मतलब हमने इसको 1 से काटा तो रिमाइंडर 2 बचा, 1/2/3 बन जाएगा। ये जो 7/2 है इसको हम क्या लिख सकते थे, 3/1/2 भी तो लिख सकते थे। तो यही एक रिप्रेजेंटेशन का दूसरा तरीका होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि जो विषम भिन्न है उसी को हम मिश्रित भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। तो अगला पॉइंट यही है कि इसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिश्रित भिन्न यानी कि मिश्रित मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसा दिखता है, तो एक इसमें इंटीजर रहेगा यानी कि पूर्णांक होगा, प्लस इसमें एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक। मतलब कि ये मिश्रित भिन्न में एक पूर्णांक प्लस उसका उचित भिन्न होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको फिर से यहां लिखा देता हूं, जैसे कि मैंने लिखा 7/3, 7/3 का मतलब होता है 7 को 3 से विभाजित करना, 2 बार कटेगा 6 से, शेष बटेगा 1, तो हम इसको लिखते हैं 2/1/3, ठीक। तो ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिश्रित भिन्न का मतलब क्या है, ठीक है। तो मिश्रित भिन्न कुछ अलग नहीं है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही होता है जो एक से बड़ा होता है, बस उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब ये तो हो गई कुछ फ्रैक्शन की बातें, अब हम आते हैं
फ्रैक्शन के दूसरे क्लासिफिकेशन में, दूसरा क्लासिफिकेशन जो है वो कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा पढ़ चुके हैं उसके बारे में सिंप्लीफिकेशन में, तो वो रिवाइज भी हो जाएगा। एक होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, शांत भिन्न और अशांत भिन्न। टर्मिनेटिंग भिन्न ऐसे भिन्न होते हैं जो कहीं ना कहीं दशमलव के बाद वो रुक जाते हैं, उसका शेषफल जीरो बन जाता है आखिर में। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत भिन्न ऐसे होते हैं कि उसको बांटने के बाद भी कभी जीरो नहीं होता है, डेसिमल के आगे जो है वैल्यूज कटते नहीं है, ये आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो इस नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो तरीके के होते हैं, एक जिसमें रिपीट हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, दूसरा जिसमें नॉन रिपीटिंग हो रहा है। ठीक है, तो इसको भी नोट करके रखिए। अब मैं डिस्कशन करता हूं इसके बारे में। ठीक है, ये जो पार्ट है इसको हम फ्रैक्शन सिंप्लीफिकेशन का जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसमें मैंने सबसे पहले इसी को कवर किया था, जैसे कि 1.6 के ऊपर बार जो था इसका मतलब होता है 1.6666 इस तरीके से था, तो मैंने बताया था इसका वैल्यू आपको निकालना है तो कैसे निकालना होगा, एक संख्या रिपीटिंग है तो एक बार 9 लिखोगे, फिर 16 में से एक घटा के 15 लिखोगे। ठीक है, तो इसको काट के हम 3 से काट के क्या लिख सकते हैं, 5/3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 5/3 बना नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, यानी कि इसकी पुनरावृत्ति हो रही है 1.6666, ये रुकने वाला भी नहीं है, यानी अशांत भिन्न है, साथ में रिपीट हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है इसकी, इसलिए ये अशांत भिन्न कहलाता है और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ है, ये रिपीटिंग है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आते हैं इसमें टर्मिनेटिंग में। टर्मिनेटिंग भिन्न कैसे होते हैं, तो 3/2 1.5 होता है, 1/8 0.125 होता है, कहीं ना कहीं जाके रुक जा रहा है वैल्यू। क्लियर, तो ऐसे नंबर जो रुक जाते हैं वो शांत भिन्न कहलाते हैं, जो नहीं रुकते हैं वो अशांत भिन्न कहलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये कब बनता है और मैंने ये भी बताया था ये कब बनता है, तो मैं उस चीज को एक बार यहां पर रिवाइज करवा देता हूं आप लोग को। इसके लिए आपको जानना होगा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या भी मैं इस वीडियो में आगे कवर करूंगा, अभी के लिए समझ के रखिए, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं, एक तो वन खुद होता है और दूसरा वो संख्या, जैसे कि 2, 3, 5 ठीक, 7, 11, 13 इस तरीके से टोटल 25 अभाज्य संख्या होते हैं 100 से छोटे। इन सभी संख्याओं का खूबी क्या है, तो इसका केवल दो ही फैक्टर है 1 और 2, इसका भी दो ही फैक्टर है 1 और 3, इसका भी दो ही फैक्टर है 1 और 5, इसका भी दो ही फैक्टर है 1 और 7, मतलब केवल ऐसी संख्या जिसके दो ही फैक्टर्स हैं, दो ही गुणनखंड हैं, उनको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभाज्य संख्या, इसके ऊपर भी मैं आपको डिटेल में वीडियोस कवर करूंगा कि इस टॉपिक से कैसे सवाल बनते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए अब इसका यूज यहां कैसे हो गया वो समझते हैं। मैंने कहा दो चीजें, एक है टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन बनाने के लिए आपको केवल 2 या 5 के कॉम्बिनेशन में कोई भी नंबर आप मल्टीप्लाई करिए और डिवाइड करिए, आपका हमेशा टर्मिनेटिंग नंबर बनेगा। जैसे कि मैं अगर 2 को 3 बार ले लेता हूं तो 8 आ गया, 5 को 1 बार ले लेता हूं तो 5 से मल्टीप्लाई हो गया, बन गया 40। अब इस 40 से आप किसी भी नंबर को डिवाइड करिए, सपोज करिए कि मैं 45 को 40 से डिवाइड कर रहा हूं, 45 को 40 से डिवाइड करने पर 1 पॉइंट, फिर पॉइंट यहां पर आ गया 125, यही नंबर आएगा। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये नंबर जो है एक जगह पे जाके रुकने वाले नंबर्स हैं। ठीक, लेकिन बाकी जितने भी नंबर्स होते हैं जो 2 या 5 के अलावा किसी तीसरे ऐसे प्राइम नंबर से आ जाते हैं, जैसे कि 3 हो गया, अगर मैं यहां पे 11/2 × 3 करके 6 बना दूं तो ये कभी रुकने वाला नहीं है, 1 5/6 आया, अब ये 5/6 चलता रहेगा, इसमें आप डिवाइड करेंगे तो 8 बार कटेगा। ठीक है, 1.8 = 48, 48 के बाद 2 रिमाइंडर तो 3 बार कटेगा 18 से, फिर 2 रिमाइंडर, फिर 3 बार कटेगा 18 से, फिर 2 रिमाइंडर, 3 बार कटेगा, चलता रहेगा ये, तो ये रुकने वाला नहीं है। जब भी आप 2 या 5 के अलावा किसी भी ऐसे प्राइम नंबर को आप लेकर उसके मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करने जाएं और नंबर पूरी तरह से ना कटे ऊपर वाले नंबर से, तो एक अशांत भिन्न बनता है, वो भी जिसमें पुनरावृत्ति हो रही है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्लियर है, तो मैंने आपको टर्मिनेटिंग के बारे में बताया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के बारे में बताया, अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक, ये जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है यही होते हैं आपके सर्ड्स, कर्णी। ठीक है, कर्णी एवं घातांक हम पढ़ चुके हैं, तो जितने भी सर्ड्स हैं
वही आपके यहाँ पे आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में, जैसे कि रूट दो हो गया जो इस इरेशनल नंबर के बाहर नहीं आ पा रहा है, रूट तीन हो गया, ठीक है, रूट पांच हो गया, रूट सात हो गया, जो भी ऐसे वैल्यूज है, क्यूब रूट ऑफ फोर हो गया, तो ये वैल्यूज के बाहर नहीं आ पाएंगे। तो ऐसे जितने भी वैल्यूज जो इस इरेशनल नंबर बाहर नहीं आ पाते, इसी को हम सर्ड्स कहते हैं। यहां तक आपका जो पाई है, पाई एक कांस्टेंट है किसी भी वृत्त का, किसी भी वृत्त का, ठीक है, किसी भी वृत्त की जो परिधि होती है बटे इसका जो व्यास होता है, ये एक कांस्टेंट होता है। किसी भी तरीके का आप वृत्त बना दे, कितने भी बड़ा वृत्त बना दे, उसी को हम क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। और ये पाई भी एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है वैल्यू। इसी को ही हम कहते हैं इरेशनल नंबर। इसको मैं आखिर में बताऊंगा, यहां पर जितने भी नंबर मैं डिस्कस कर रहा हूं उसमें इरेशनल नंबर केवल यही है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, बाकी सारे जितने भी वैल्यूज मैं यहां डिस्कस करूंगा सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं, यानी कि परिमेय संख्या। ये मैं आखिर में कनेक्ट करूंगा, ठीक है, अभी मैंने आपको बता के रखा है। तो ये क्या है, तो इरेशनल नंबर है। क्या होते हैं, सर्ड्स होते हैं, पाई भी वहीं पे आएगा। चलिए अब हम आएंगे इंटीजर्स के बारे में, थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। इंटीजर्स का भी क्लासिफिकेशन हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। पहला क्लासिफिकेशन जो हम देखने वाले हैं वो है इवन नंबर्स यानी सम संख्या, सम इंटीजर्स, और दूसरा है ऑड नंबर्स यानी कि विषम संख्या। इवन और ऑड, सम विषम, तो इसका डेफिनेशन क्या है। दिल्ली में कई बार इवन ऑड वाला जो रूल है चलता रहता है, तो वहां पे किसी किसी नंबर प्लेट में जहां पे लास्ट में जीरो है, सपोज इस तरीके का नंबर है, तो ये क्या हुआ, इवन हुआ कि ऑड हुआ, ये भी इवन हुआ। क्यों इवन हुआ, क्योंकि इवन का डेफिनेशन ये है, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो जीरो टू से विभाजित होते हैं, ऑड नंबर्स वो होते हैं जो टू से विभाजित नहीं होते। तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आएंगे। तो सबसे पहली बात, अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर इवन नंबर की, तो वो ऐसे नंबर है, मैं यहां पर फिर से लिख लेता हूं, जो दो से डिविजिबल है, जो दो से डिविजिबल होते हैं, और ऐसे नंबर जो दो से डिवाइड करने पर नहीं कटे उसे हम कहते हैं ऑड नंबर। सिंपल सा डेफिनेशन, दो से जो संख्या विभाजित होती है वो इवन नंबर है, दो से जो संख्या विभाजित नहीं होती वो ऑड नंबर है। अब दो की डिविजिबिलिटी क्या है, दो की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि इकाई अंक में पांच डिजिट होने चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8, यानी कि 0, 2, 4, 6, 8 अगर इकाई के अंक में आ रहा है, यूनिट डिजिट पे आ रहा है, तो वो टू से डिविजिबल होता है, और अगर टू से डिविजिबल है तो वो एक इवन नंबर कहलाएगा। तो इवन नंबर क्या है, जो दो से डिविजिबल होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहां पर लिख लेता हूं, इवन नंबर क्या हो गए, माइनस इंफिनिटी से बढ़ते हुए -6, -4, -2, फिर 0, 2, 4, 6, इस तरीके से 8, और सारे जो वैल्यूज है इनफाइनाइट तक जो जाएंगे, जो दो से कटते हैं, ये सभी संख्या जो है इवन नंबर कहलाते हैं। ऑड नंबर की अगर हम बात करें, तो ऑड नंबर क्या है, जो दो से नहीं कटता है, माइनस इंफिनिटी से चलते हुए -3, माइनस का 1, फिर 1, फिर 3, फिर 5, इस तरीके से चलता रहेगा, और प्लस का इंफिनिटी। क्लियर, तो ये ऑड नंबर हो गए और ये इवन नंबर हो गए। इस तरीके से हम ऑड और इवन का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब कुछ छोटी छोटी सी बातें हम यहां पर ऑड और इवन के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर आगे वाले क्लासिफिकेशन में जाएंगे, ठीक है। तो इवन नंबर जो है इसको मैं ई से रिप्रेजेंट करूंगा, ऑड नंबर जो है इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। कभी भी इवन नंबर प्लस ऑड नंबर में एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, तो हमेशा एक ऑड नंबर निकल के आएगा। इवन नंबर प्लस इवन नंबर में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो तो हमेशा इवन नंबर आएगा। साथ ही साथ अगर ऑड नंबर में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो एक ऑड नंबर, सॉरी अगेन यहां पर इवन नंबर ही निकल के आएगा। एग्जांपल के तौर पे आप कोई भी संख्या लेकर यहां पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए, मैं यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर इवन नंबर ले लेता हूं 8, और ऑड नंबर ले लेता हूं 3, तो प्लस करने पर मेरा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 11, और माइनस करने पर मेरा जो वैल्यू आएगा 5। तो कहीं ना कहीं इवन नंबर और ऑड नंबर का प्लस माइनस करने पर एक ऑड नंबर ही निकल के आएगा हमेशा, पॉइंट नंबर वन। दूसरी बात है, मैंने कही कि इवन नंबर में प्लस माइनस इवन नंबर करोगे तो हमेशा इवन नंबर आएगा। मतलब कि अगर मैं यहां पर 10 ले लूं इवन नंबर और 12 ले लूं एक दूसरा इवन नंबर, तो प्लस करने पर यहां 22 आ रहा है जो कि इवन है, माइनस करने पर यहां पर -2 आ रहा है जो कि अगेन एक इवन नंबर है। क्लियर, तो इवन नंबर में इवन नंबर जोड़ोगे घटाओगे तो इवन नंबर आएगा। यही चीज एप्लीकेबल है ऑड में भी। अगर मैं 5 ले लेता हूं एक ऑड नंबर को और 11 ले लेता हूं दूसरे ऑड नंबर को, तो जोड़ने पर कितना आया, 16 आया,
जो कि इवन नंबर है, घटाने पर कितना आया तो माइनस का 6 आया जो कि एक इवन नंबर है। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि ऑड नंबर में ऑड नंबर जोड़ने घटाने पर ही इवन नंबर आता है, इवन नंबर में इवन नंबर जोड़ने घटाने पर इवन आता है, और इवन नंबर ऑड नंबर में जोड़ने घटाने पर हमेशा ऑड नंबर आएगा। तो अगर दो संख्याओं का योगफल हो रहा है जिसमें एक संख्या ऑड नंबर निकल के आ रही है तो संख्या में एक संख्या को इवन दूसरे को ऑड होना जरूरी है, ठीक, यह है रूल। इसी में अगर गुणनफल की बात करें कि मल्टीप्लीकेशन अगर कर रहे हैं हम तो इवन नंबर में यदि हम ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हमेशा इवन नंबर निकलेगा, ऑड नंबर में यदि हम ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करें तो ऑड आएगा, इवन नंबर में इवन नंबर को मल्टीप्लाई करें तो भी इवन नंबर ही आएगा। तो इस चीज का भी ध्यान रखें कि इवन नंबर का प्रोडक्ट आने के लिए कम से कम एक संख्या को इवन होना जरूरी है। इसका भी आप खुद से कोई भी नंबर लेकर इस चीज को चेक कर सकते हैं, ऑड नंबर का मल्टीप्लीकेशन आया मतलब दोनों के दोनों ऑड होंगे, अदरवाइज संभव नहीं है कि मल्टीप्लीकेशन में कोई प्रोडक्ट ऑड आ रहा है तो बाकी सारे को में से एक नंबर भी इवन नहीं हो सकता। एक भी नंबर इवन हो गया तो यहां मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट इवन ही आएगा, ठीक। चलिए, ये तो हो गई कुछ बातें इवन और ऑड की। अब हम आएंगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में जो कि इंटीजर का ही है। पहला क्लासिफिकेशन पूर्णांकों का यानी इंटीजर का हमने देखा, इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर, सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक। इसके बाद हम आएंगे नेगेटिव इंटीजर्स यानी ऋणात्मक पूर्णांक, और फिर आएगा जीरो, और एक आएगा पॉजिटिव इंटीजर। तो ये चीज मैंने आपको शुरुआती दौर पे बताया था नंबर्स के जरिए। तो नंबर्स भी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो होते हैं, इंटीजर्स भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो होते हैं। तो इंटीजर्स का मतलब ये है कि दशमलव मान के आगे वाला जो वैल्यू वो सारे जीरो होंगे। तो कहने का मतलब जीरो आया यहां से एक दो तीन चार इस तरीके से चलता रहेगा प्लस इन्फिनिट, इसी को हम क्या कहते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर। पीछे की तरफ जाओगे तो माइनस वन आएगा, माइनस टू आएगा, माइनस थ्री आएगा, इस तरीके से माइनस फोर, और ये चलता रहेगा माइनस इंफिनिटी। तो ये सारे जो नंबर्स हैं जीरो से छोटे पूर्णांक है उसको नेगेटिव कहते हैं, जीरो से बड़े जो पूर्णांक है उसको हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। बीच में जो आया वो है जीरो जो कि एक इंटीजर है और ये बीच में आता है, ठीक। तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, धनात्मक पूर्णांक ऐसे पूर्णांक जो कि जीरो से बड़े हैं, ऋणात्मक पूर्णांक ऐसे पूर्णांक जो कि जीरो से छोटे हैं, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स मैंने लिखा है ये पॉजिटिव इंटीजर्स को ही हम क्या कहते हैं तो नेचुरल नंबर्स कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। ये जो नेचुरल नंबर्स है इसी को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जो आप गिनती स्टार्ट कर रहे हैं ना, गिनती अगर हमने क्या किया, गिनती को अगर हमने एक से स्टार्ट किया, एक के बाद दो आया, दो के बाद तीन आया, तीन के बाद चार आया, इस तरीके से चल रहा है प्लस इंफिनिटी तक, तो ये सारे नंबर्स जो है इसको हम कहेंगे नेचुरल नंबर। ध्यान रखिए, एक से गिनती चालू करने को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। अगर आप शून्य से गिनती चालू कर रहे हैं तो यही आपका कहलाएगा होल नंबर्स, ठीक है, उसके बारे में मैं आऊंगा। नेचुरल नंबर्स को आगे हम तीन और तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं जो कि है प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और एक, यानी अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और एक। इसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा आगे, क्योंकि यहां पर उतना जगह नहीं है स्क्रीन में, तो अगले वाले स्लाइड में इसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। अभी आप इसको नोट करके रखिए कि नेचुरल नंबर का क्लासिफिकेशन है प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और एक, यानी अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और एक। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको नोट करना है कि ये गिनती यदि हम जीरो से स्टार्ट करें, जीरो से स्टार्ट करके फिर आप गिनती चालू कर रहे हैं तो इसी को हम क्या कहेंगे, तो ये हो जाएगा आपका होल नंबर्स। यानी आपने स्टार्ट किया गिनती कैसे करना, जीरो फिर एक फिर दो फिर तीन चार, इस तरीके से आपने इन्फिनिट तक। तो प्राकृतिक संख्या वैसी संख्या होती है जो एक से गिनती चालू हो रही है, लेकिन आपने जीरो से ही काउंटिंग स्टार्ट कर दिया, जीरो का आपने पहला इंटीजर मान के काउंट किया, तो अब ये होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं कहलाती है, क्लियर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको कहा था कि रैशनल और इरेशनल नंबर को मैं आखिर में बताऊंगा, तो केवल नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो है ये आपका इरेशनल यानी कि अपरिमेय संख्या कहलाता है। बाकी जितने भी संख्या हम यहां पे देखें सारे के सारे क्या है, तो सारे के सारे रैशनल नंबर्स है, ठीक है। अब रैशनल नंबर का डेफिनेशन लिख लीजिए, रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जो कि p by q फॉर्म में लाया जा सकता है जिसमें q बराबर जीरो ना हो। तो इस डब्बे के अंदर, बाएं वाले डब्बे के अंदर जितनी भी चीजें हैं सारे के सारे रैशनल नंबर है, इन सभी को आप p by q फॉर्म में ला सकते हैं।
एक क्लास हमने जो देखा था सिंप्लीफिकेशन का, उसमें कहीं ना कहीं हम यही तो सीख रहे थे ना कि ये वाला जो नंबर है इसको पी वाई क्यू फॉर्म में कैसे लाएं, क्योंकि रिपीटिंग वाला मतलब कि जो खत्म नहीं हो रहा है, ठीक, तो जो खत्म नहीं हो रहा है उसका भी पी वाई क्यू फॉर्म होता है, कैसे लाना है वो हमने सीखा था। कैलकुलेशन जो है सिंप्लीफिकेशन का हमने ऑलरेडी इस चीज को कवर किया हुआ है। दूसरी बात हम देखते हैं कि सेकेंड जो चीज बच गया वो है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है? तो ये है इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, जिसको हम पी बाय क्यू फॉर्म में नहीं ला सकते। अब कुछ लोगों के मन में एक डाउट आने लगा होगा, वो डाउट क्या है मैं यहां पे लिखता हूं। मैंने आपको क्या बताया? मैंने बताया आपको पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है, लेकिन कुछ लोग जानते हैं कि हम पाई को यूज कर लेते हैं कभी कभी, पाई बराबर 22/7 हम लिख देते हैं 22/7। तो एक्चुअली ये मामला क्या है इसको समझिए, 22/7 जो है पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है जिसको कैलकुलेशन के पर्पस पे हम यूज करते हैं। तो 22/7 पाई का वैल्यू नहीं है। पाई में आप जब इसको ओपन करेंगे और आगे डेसिमल लिखना चालू करेंगे तो वैल्यूज जो है रिपीट नहीं होती, वो एक इरेशनल नंबर यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग कैटेगरी में आता है। 22/7 जो है इसका लगभग मान है, जिसको हम कभी कभी 3.14 भी लिखकर मेंसुरेशन में अगर सवाल में मेंशन है तो ये मान भी हम कभी कभी यूज करते हैं, नहीं तो हम कभी कभी 22/7 भी यूज करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज जो क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है। ठीक, तो ये तो कुछ बातें हो गई क्लासिफिकेशन। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको मैं नोट्स के तौर पे आपको पीडीएफ में दिलवा के आपको दिला दूंगा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से हमने इसका क्लासिफिकेशन किया है, सारे नंबर्स को हमने समझा है कि कौन सा नंबर क्या कहलाता है। अब ये जो नेचुरल नंबर है जिसमें मैंने बताया प्राइम नंबर कंपोजिट और वन होता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो नेचुरल नंबर के बारे में हम डिस्कशन करें तो ये होता है प्राकृतिक संख्या जिसे हम कहते हैं। इसका क्लासिफिकेशन हम देखें तो तीन चीजों में होती है, एक है प्राइम नंबर, दूसरा है कंपोजिट नंबर, तीसरा है वन। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या और एक। इसका नाम से ही देखिए अभाज्य संख्या मतलब कि ऐसी संख्या जो केवल दो फैक्टर से विभाजित किया जा सकता है, जिसको दो फैक्टर यानी कि जिसके दो गुणनखंड है ऐसे समझिए, या ऐसे समझिए कि इस संख्या का नाम अभाज्य इसलिए पड़ा क्योंकि इस संख्या को किसी भी संख्या से विभाजित नहीं किया जा सकता सिवाय दो अंकों के, जो कि है एक और दूसरा संख्या कूट, इसलिए इसका नाम है अभाज्य संख्या। ठीक है, कंपोजिट नंबर की हम बात करें तो जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, दो से अधिक गुणनखंड होते हैं और एक का केवल एक ही फैक्टर होता है, तो ना आप इसको प्राइम नंबर कह सकते हैं ना आप इसको कंपोजिट नंबर। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके बन सकता है कि वन क्या है, तो वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। वन को हम ना ही तो प्राइम नंबर कह सकते हैं ना ही हम कंपोजिट नंबर कह सकते हैं, क्यों वो आपको आज समझ में आ गया होगा, क्योंकि प्राइम नंबर के दो फैक्टर होते हैं, कंपोजिट नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं और एक का तो एक ही फैक्टर होता है वो खुद। तो प्राइम नंबर के दो फैक्टर कैसे, जैसे कि दो लिखा मैंने, तीन लिखा, फिर आया पांच, फिर आया सात, इस तरीके से चलता रहता है। तो इसके दो फैक्टर होते हैं वन और टू, इसके भी केवल दो फैक्टर होते हैं वन और थ्री, इसके केवल दो फैक्टर होते हैं वन फाइव, इसके केवल दो फैक्टर होते हैं वन सेवन। यहां देखा जाए तो चार हो गया, फिर आपका आएगा सिक्स, फिर आएगा सेवन, एट आएगा और फिर नाइन आएगा, इस तरीके से चलता रहेगा दस। ठीक, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जो है वो है चार और सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर क्या है, तो नौ, क्योंकि नौ से छोटा जो है सारे जो कंपोजिट नंबर आते हैं वो दो से या इवन दो से विभाजित होते हैं तो वो सारे इवन होंगे। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जो ऑड है विषम है वो नौ है और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर चार है, क्योंकि चार के फैक्टर क्या क्या है, एक वन है, फिर टू है और फिर फोर। छह की बात करें तो वन टू थ्री और सिक्स, इसके भी चार फैक्टर। आठ की बात करें तो वन है, टू है, फोर है, फिर एट है, ठीक है, तो चार फैक्टर्स इसके भी हो गए। दस की बात करें तो वन टू फाइव टेन हो गया। अगर मैं बारह की बात करूं तो बारह भी कंपोजिट नंबर है, इसके फैक्टर हो जाएंगे वन टू थ्री फोर सिक्स और ट्वेल्व, ये सारे कंपोजिट नंबर बन गए। तो केवल एक फैक्टर वाला नंबर क्या है, वन है, तो वन को हम ना ही कंपोजिट कह सकते हैं ना ही हम प्राइम नंबर कह सकते हैं। ठीक, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है दो जो कि सम है और सबसे छोटा और केवल एक प्राइम नंबर जो कि इवन है वो है टू। ठीक है, चलिए अब हम आएंगे आगे बढ़ेंगे, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा प्राइम नंबर के बारे में। स्क्रीन के ऊपर कुछ प्राइम नंबर लिखे हुए हैं, ये प्राइम नंबर जो है सौ से छोटे
यानी 100 के नीचे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो आपको यहां पर स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। टोटल 25 हैं प्राइम नंबर्स जो कि 100 से छोटे हैं। क्या क्या है? तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 39, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। इसको एक बार फटाफट नोट कर लीजिए क्योंकि प्राइम नंबर्स जो है ये आपके मैथमेटिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट बेस बनाता है और इसके एप्लीकेशन बहुत सारे हैं। तो इसके एप्लीकेशन के ऊपर भी वीडियोस आएंगे। ये क्लासिफिकेशन है तो हम पहले समझ रहे हैं कि कौन कौन से नंबर है, ठीक है, इसको जानना बहुत जरूरी है। अब यहां पर कुछ छोटी छोटी सी बातें नोट डाउन करना चालू करिए। सबसे पहली बात, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? तो 2 है। 2 को क्या लिखेंगे? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, यानी कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? तो 2 है। 2 की एक और खास बात क्या है? ओनली इवन प्राइम नंबर, यानी एकमात्र जो सम अभाज्य संख्या है वो क्या है? वो भी तो 2 ही है। तो 2 के बारे में दो बातें, सबसे छोटी जो प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, और उसके बाद ओनली इवन प्राइम नंबर यानी एकमात्र जो सम अभाज्य संख्या है वो 2 है, बाकी सारे ऑड होते हैं। 2 से बड़े कोई भी आप अभाज्य संख्या लीजिए ऑड ही होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे 3, 5 और 7 का, 3, 5 और 7, ठीक है। ओनली 3 कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर, ओनली 3 कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर, मतलब एकमात्र ऐसी 3 संख्या जो कि क्रमागत विषम भी है और साथ में प्राइम नंबर्स भी है। तो केवल 3 जो है ऐसी क्रमागत विषम संख्या जो कि तीनों के तीनों अभाज्य हो वो क्या क्या है? तो 3, 5 और 7 है, ऐसा कहीं और नहीं होता। जैसे कि 11, 13 आया तो इसके बाद 15 आना था ना, 17 आया। अब यहां देखिए 41, 43 के बाद 45 आना था, तो क्या है? 47 आया। तो ऐसा केवल एक ही जगह होता है कि 3 क्रमागत ऑड नंबर्स है और वो प्राइम नंबर्स है, तो वो केवल और केवल 3, 5, 7 हो सकते हैं और कोई भी ऐसी 3 क्रमागत संख्या नहीं है जो कि ऑड भी हो और प्राइम नंबर भी हो, ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, थोड़ा बारीकी से इसको समझिएगा। ऑल प्राइम नंबर्स यहां लिखा हुआ है, इसको नोट करिए। ऑल प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 3 फॉर्म ऑफ 6k+1, ठीक है। जितने भी प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 3 होते हैं वो आपके इस रूप में होते हैं, बट एनी नंबर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 6k+1 इज नॉट नेसेसरली अ प्राइम नंबर। इसका उल्टा सही नहीं है। हिंदी में एक बार पढ़िए, 3 से बड़ी सभी अभाज्य संख्या जो है वो 6k+1 के रूप में होती है, लेकिन जितनी भी संख्या 6k+1 के रूप में हो वे अभाज्य संख्या हो ये जरूरी नहीं है, ठीक। तो 3 से बड़े जो भी नंबर आप लेंगे, k का वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं? तो k का वैल्यू 1, 2, 3, 4 इस तरीके से मैं इनफाइनाइट तक लिख सकता हूं, ठीक, इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं। तो अगर मैं k का वैल्यू 1 लिखूंगा तो यहां पे 6+1 होगा, 6+1 यानी 7, 6-1 यानी 5। अगर मैं 12 लिख रहा हूं तो 12+1 और -1 में आपका फिर से अभाज्य संख्या है। अगर मैं 18 लिखूं तो -1 और +1 में फिर से अभाज्य संख्या है। अगर मैं 24 लिखूं तो 24-1 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन 24+1 करोगे तो 25 आता है जो कि अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक। तो इस बात को आप समझिए कि जो भी अभाज्य संख्या 3 से बड़े हैं वो 6k+1 के फॉर्म में तो होते हैं, लेकिन सारी संख्या जो 6k+1 के फॉर्म में हो ये अभाज्य हो ये जरूरी नहीं है, क्लियर। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर आप देख लीजिए, जैसे मैं 97 की बात करता हूं तो 97 क्या है? 97 आपका 96+1 है और 96 कहीं ना कहीं 6k के फॉर्म में, 6 × है तो 16+1, मतलब देखिए 16 आपका k अगर 16 हो गया तो 6 × 16+1 करोगे 97 आएगा कहीं ना कहीं। तो ये सारी चीजें हैं, 6k+1 के फॉर्म में सारे प्राइम नंबर्स होते हैं, लेकिन सारे नंबर जो 6k+1 के फॉर्म में वो प्राइम नंबर्स हो ऐसा जरूरी नहीं है। आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आएगा। इसमें मैंने बार बार कई बार रिपीट किया
क्योंकि ये समझना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम। बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स में जो रिलेटिव प्राइम है उसी को प्राइम कहते हैं और जो को प्राइम होता है उसी को रिलेटिवली प्राइम कहते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एक माइन्यूट डिफरेंस है और हम वैसे चलेंगे तो बुक्स के हिसाब से ही चलेंगे, यानी कि को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम को एक ही मान के चलेंगे। ठीक, रिलेटिवली प्राइम नंबर का मतलब ऐसा होता है जिसका HCF 1 हो। ऐसी दो संख्या जिसका HCF 1 हो उसे हम रिलेटिवली प्राइम कहते हैं। ठीक, यानी कि जिसका महत्तम समापवर्ती ऐसी दो संख्या का जिसका मस एक हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर की हम बात कर रहे हैं तो को प्राइम नंबर ऐसे हैं कि पेयर ऑफ टू प्राइम नंबर्स, यानी कि दो अभाज्य संख्याओं का एक जोड़ी जो होती है उसको सहअभाज्य कहते हैं। तो अगर कोई दो प्राइम नंबर आप ले रहे हो तो प्राइम नंबर कोई भी आप ले लीजिए, जैसे मैंने 3 ले लिया और 11 ले लिया, तो 3 किससे कटता है तो 1 और 3 से, 11 किससे कटता है तो 1 और 11 से। तो कोई भी दो प्राइम नंबर हम लेते हैं उसका भी HCF क्या होता है, इसका HCF 1 ही तो होता है, क्योंकि इसका कॉमन फैक्टर एक ही होता है 1, और संख्या खुद होती है जो कि अनकॉमन होगा क्योंकि प्राइम नंबर अलग अलग है, तो इसमें भी HCF 1 होता है। तो को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम दोनों में एक चीज जो कॉमन है कि इसका HCF 1 होता है, तो को प्राइम को भी हम HCF इक्वल टू 1 लेकर सॉल्व करेंगे, यानी महत्तम समापवर्ती को 1 लेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम इंटीजर्स के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ये चीज मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, कोई भी संख्या जैसे 4, 5, 7, 6, 8, इसका एक स्थानीय मान होता है यानी कि प्लेस वैल्यू, और एक अंकित मान्य होता है यानी कि फेस वैल्यू। तो 8 का फेस वैल्यू 8 होगा, 6 का फेस वैल्यू 6 होगा, 7 का फेस वैल्यू 7 होगा, 5 का 5 होगा, 4 का 4 होगा। लेकिन प्लेस वैल्यू की बात करें तो 8 का प्लेस वैल्यू हम दशमलव की बात करें यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम, तो इसमें आपको 10 के पावर 0 मल्टीप्लाई करना होगा जो ये होगा। दूसरे वाले में आपको 10 के पावर 1 मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 10 मल्टीप्लाई होगा तो 60 होगा। अगले वाले में 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई होगा, 700 आएगा। इस 5 में आपका 10 का क्यूब मल्टीप्लाई होगा यानी 1000, जो कि हो जाएगा 5000 इसका प्लेस वैल्यू। अगले वाले में 4 है, यहाँ पे 10000 मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 40000 इसका प्लेस वैल्यू आएगा। क्लियर, तो कोई भी नंबर का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू कैसे निकालना है किसी भी इंटीजर का, ठीक है, तो वो आपको समझ पे आया होगा। चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो उसका प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय जो प्लेस है उसमें माइनस 1 करके उतने बार 10 से मल्टीप्लाई करोगे, और फेस वैल्यू यानी जो नंबर है वही नंबर उसका फेस वैल्यू हो जाता है। तो कोई भी नंबर है इस नंबर में इन सभी प्लेस वैल्यूज को जोड़ने पर आपका नंबर खुद आता है, जैसे 40000, 5000, 700, 60 और 8, ठीक है, इसको जोड़ने पर आपका जो है वैल्यू आता है। तो सारे प्लेस वैल्यूज को जोड़ोगे तो नंबर खुद बनता है। अब हम आते हैं कुछ सवाल देखेंगे आपके जो एग्जाम में आ चुके हैं उससे रिलेटेड सवाल देखेंगे। कैसे, हमने जो थ्योरी देखा है वो थ्योरी डायरेक्टली नहीं पूछता है, लेकिन सवाल ऐसा होता है कि उसमें जो लैंग्वेज है, जैसे यहां को प्राइम नंबर है, अब जब तक आपको पता ही नहीं है कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है तो आप सवाल कैसे सॉल्व करोगे। तो जरूरी है कि हमें डेफिनेशन सारी पता हो, और डेफिनेशन पता होगा तभी आप नंबर सिस्टम के सवाल लगा पाएंगे, क्योंकि डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सह अभाज्य संख्या कह रहा है आर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टू इज 65, यानी पहले दो का गुणनफल जो है वो 65 है, और आखिरी दो का जो है वो है 234। तो सम ऑफ द थ्री नंबर्स यानी तीनों संख्याओं का योगफल क्या है निकालना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। को प्राइम यानी कि सह अभाज्य मतलब HCF 1 होना चाहिए, ये हमारा ध्यान रखना होगा आपको इसका। अब 65 देखते साथ समझ में आता है दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो आप 1 × 65 करिए, या फिर क्या करना होगा हमें 5 × 13 करना होगा। तो सेकेंड नंबर क्या है, 234। इस 234 में या तो आप 1 × 234 लिख सकते हैं, या फिर आपको देखना होगा अगर मैं 1 × 234 लिख रहा हूं तो पेयर ऑफ थ्री को प्राइम नंबर है, तो 65 और 234 में कोई ऐसा कॉमन फैक्टर तो नहीं है जो दोनों से काट रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये 5 से तो नहीं कट रहा है, डेफिनेटली 5 से कट रहा होता तो यूनिट डिजिट या तो 4 होता या तो 0 होता। अगर मैं 13 से इसे काटूं तो इस 13 मल्टीप्लाइड बाय क्या आएगा, 1 जा 13 के बाद 104 आ रहा है, मतलब 18 आएगा।
मतलब कि 5 एक संख्या होना चाहिए, 13 दूसरा संख्या होना चाहिए और 18 तीसरा संख्या होना चाहिए। अगर मैं संख्याओं को कुछ इस तरीके से लूं 165 और 234, तो ये को प्राइम नहीं है क्योंकि इन दोनों का HCF जो है वो 13 बन जाएगा। मतलब ये पहला वाला ऑप्शन गलत है। 5, 13 और 18 सही है, यानी कि एक नंबर है 5, दूसरा है 13 और तीसरा है 18, क्योंकि इसमें भी HCF 1 है, इन दोनों में भी HCF 1 है और इन दोनों में भी HCF जो है वो 1 है। तो तीन नंबर क्या है ये सब हमने निकाल लिया, 5, 13 और 18। सवाल ये पूछ रहा था कि इन तीनों का योगफल क्या है, तो 5 प्लस 13 18 होगा, प्लस 18 करोगे तो टोटल 36 आ जाएगा, यानी कि 36 इस सवाल का सही उत्तर। चलिए, आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके के सवाल जो है आपके नंबर सिस्टम से आते हैं आपके एग्जाम में, जिसमें आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे एक है परफेक्ट नंबर एक्सक्लूडिंग नंबर्स। देखिए परफेक्ट नंबर क्या है, परफेक्ट नंबर इज अ नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग द नंबर इज इक्वल टू द नंबर। परफेक्ट नंबर एक ऐसा संख्या है जिसके गुणनखंडों का योगफल उस संख्या को छोड़कर उसी संख्या के बराबर होती है। पहला एग्जांपल है 6 के गुणनखंड क्या क्या है, तो 1, 2, 3 और 6 है। तो यहां पर कह क्या रहा है कि इसके गुणनखंडों में उस संख्या को छोड़ दीजिए, यानी 6 को छोड़ दीजिए, बचा क्या, तो 1, 2, 3 बचा। 1 + 2 + 3 करने पर संख्या खुद आ रही है जो कि 6 है। ऐसा हर नंबर के साथ नहीं होता। तो पहला एग्जांपल मैंने दिया परफेक्ट नंबर का, यह है 6। एक कोई भी और नंबर ले लेते हैं, चेक करते हैं कि ऐसा सब नंबर के साथ हो रहा है क्या। जैसे मैं 9 ले लेता हूं, 9 के फैक्टर क्या क्या है, 1 है, 3 है और 9 है। मैं यहां पर नंबर को छोड़ देता हूं, यानी 9 को छोड़ देता हूं, बचा क्या, तो 1 + 3 बचा, यहां पे 4 आ रहा है। तो क्या ये नंबर के बराबर है, हमने 6 से स्टार्ट किया था तो 6 आया था, 9 से स्टार्ट किया तो यहां पर तो 4 आ रहा है, मतलब कि 9 जो है एक परफेक्ट नंबर नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल आप लिखना चाहते हैं तो परफेक्ट नंबर का है 28। 28 जो है एक परफेक्ट नंबर कहलाता है 28। इसके फैक्टर क्या क्या है, तो 1, 2, 4, 7, 14 और 28। इसमें मैं नंबर को छोड़ देता हूं, यानी 28 को छोड़ देता हूं, क्योंकि डेफिनेशन यही कह रहा है ना परफेक्ट नंबर का, कि फैक्टर्स यानी जो गुणनखंड है उसमें एक्सक्लूड कर दीजिए आप नंबर को, उस संख्या को छोड़कर बाकी सभी जो इसके फैक्टर है गुणनखंड है उसका योगफल जो है वो 28 के बराबर होना चाहिए। तो 1 + 2 + 4 + 7 + 14, 1 + 2 + 4 + 7 + 14, इसका वैल्यू देखिए कितना होता है, 1 + 2 कितना है, तो 3 + 4 करोगे 7 + 7 करोगे तो 14 + 14 करोगे तो 28, 28 आ रहा है, ठीक। तो 28 जो है इस सेकेंड एग्जाम्पल है परफेक्ट नंबर का। तो दो परफेक्ट नंबर मैंने बता दिया एग्जाम्पल के तौर पर, एक 6 है एक 28 है। आशा करता हूं कि परफेक्ट नंबर का डेफिनेशन और कैसे हम समझेंगे कि परफेक्ट नंबर है कि नहीं वो आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे। पहला सवाल है, सेकंड सवाल है, सॉरी, पहला सवाल हमने देखा था, दूसरा सवाल है आपके स्क्रीन के ऊपर। द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज x + y इज 2021, फाइंड द वैल्यू ऑफ -1 के पावर x + -1 के पावर। दो प्राकृतिक संख्या x y का योगफल 2021 है, तो -1 के पावर x और -1 के पावर y का मान बताइए। इस सवाल को समझने के पहले ये समझिए कि -1 के पावर अगर ऑड नंबर होता है, यानी कि विषम संख्या अगर हम डालते हैं, -1 के घात यदि हम विषम संख्या हम डालते हैं तो यहां पर हमेशा 1 आता है, और -1 के घात यदि हम इवन नंबर डालते हैं यानी सम संख्या डालते हैं तो यहां पर एक इवन नंबर 1 आता है, यहां पे सॉरी 1 माइनस 1 आता है ऋणात्मक संख्या और नीचे प्लस 1 आता है। इस चीज को आप नोट करके रखिए, ठीक है। इस चीज को शायद मैंने आपको वहां पे भी बताया था सर्ड सिंडाइसिस में, अगर वहां पे छूट गया तो इसको नोट करके रखिए कि -1 के घात ऑड यानी कि विषम संख्या डालोगे तो -1 आता है, -1 के घात इवन नंबर यानी सम संख्या हम डालते हैं तो हमेशा एक +1 निकल के आता है। अब दूसरी बात यहां पर है कि x + y जो है ये 2021 है। एक थ्योरी हमने देखी थी कि अगर हम दो इवन नंबर को जोड़ेंगे तो इवन नंबर आएगा, दो ऑड नंबर को जोड़ेंगे तो भी ऑड नंबर आएगा, लेकिन दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने पर यहां अगर एक ऑड नंबर आ रहा है यानी कि विषम संख्या आ रही है, इसका मतलब इनमें से एक नंबर अगर इवन है तो दूसरा नंबर को ऑड होना ही पड़ेगा, तभी जाके आप एक ऑड नंबर निकाल पाएंगे।
यानी यहां जो हो रहा है माइनस वन के ऊपर एक बार इवन चढ़ा तो माइनस वन के ऊपर एक बार ऑड भी आएगा, और ऑड नंबर और इवन नंबर में एक बार प्लस वन आता है एक बार माइनस वन आता है, मतलब कुल मिला के आपका जो उत्तर होगा वो जीरो। क्लियर है? ये जीरो नहीं है, ये ऑड है, ठीक है, इस चीज का ध्यान देना। तो माइनस वन के घात में यदि सम संख्या है तो वन आता है, और माइनस वन के घात में अगर ऑड नंबर है तो यहां पे हमेशा माइनस वन आता है। चलिए आगे बढ़ता हूं। अगर कुछ आपको नॉइज आ रही है इस वीडियो में क्षमा चाहता हूं, आज शायद कुछ काम चल रहा है यहां पे पूरी तरह से, कुछ हो सकता है बाहर वर्क चल रहा हो, उसके लिए क्षमा चाहता हूं, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। पढ़ने वाले बच्चे जो है वो तपी होने चाहिए, मतलब तपना चाहिए, ठीक है। तो मेरे जो कंटेंट है उसको आप फॉलो करिए, जो प्रॉब्लम हो रही है वीडियो के लिए उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर एक्स वाई और जेड है, प्राइम नंबर्स आर एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 38 है, तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स हमें निकालना है। एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड जो है अभाज्य संख्या है, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड 38 है, तो एक्स का अधिकतम मूल्य क्या है ये हमें निकालना है। अब देखिए फिर से एक बार समझिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या है, तो 38। इसमें एक्स का अधिकतम मान यदि हमको निकालना है, इसको अगर मैक्सिमम करना है, एक संख्या को अगर मैक्सिमम करना है और तीनों का योगफल कांस्टेंट है तो बाकी दोनों संख्या को न्यूनतम करना होगा, यानी इन दोनों को हमें मिनिमम करना होगा, मिनिमम। दूसरी बात, हम ये जानते हैं कि हमारे पास ओनली इवन प्राइम नंबर क्या है, तो 2 है। तो सपोज करिए कि अगर मैं इस इवन प्राइम नंबर को ना लूं, अगर मैं इसे भी ऑड नंबर ले लूं, इसे भी ऑड नंबर ले लूं और इसे भी ऑड नंबर ले लूं, यानी तीनों के तीनों विषम प्राइम नंबर ले लूं, तो ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर ये दोनों एक इवन नंबर देंगे, और इवन नंबर प्लस ये वाला जब ऑड नंबर करोगे तो इन दोनों को जोड़ने पर एक फाइनली ऑड नंबर आना चाहिए, जो कि यहां पे क्या दिया हुआ है, 38 दिया हुआ है। तो इसका मतलब तीनों के तीनों ऑड तो हो ही नहीं सकते, अगर यहां दो ऑड नंबर को जोड़ने पर इवन आ रहा है, तो ये जो एक संख्या है कम से कम एक संख्या को इवन होना जरूरी है, तभी जाके ये दोनों इवन बनेंगे, अगला वाला इवन नंबर पे मिलने पर ये वाला नंबर इवन आएगा। मतलब आप इस तरीके का जो एक्सप्रेशन है कि तीनों के तीनों प्राइम नंबर अभाज्य संख्या हो और जोड़ने पर 38 बन रहा है, ये बिना दो के संभव है ही नहीं, मतलब इन तीनों में एक का वैल्यू 2 तो होगा ही होगा, और 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, ठीक। तो इसका मतलब यह है कि अगर मुझे x को मैक्सिमम करना है तो बाकी दोनों को मिनिमम करना होगा। तो मैं मान लेता हूं कि इन दोनों y या z में से कोई एक वैल्यू को हम मान लेते हैं कि ये 2 है, किसी भी एक को 2 मान लेते हैं। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि हमें ये पता चल गया कि x प्लस y जो है ये 36 होगा, जिसमें से एक तो गया 2 गया। अब अगर ये 2 गया तो बाकी दोनों को 36 बनाने के लिए आप उल्टा कैलकुलेट करिए कि 36 से छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो होता है 31। अगर मैं इसको 31 ले रहा हूं तो क्या दूसरा नंबर भी प्राइम बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, 31 5 दोनों प्राइम बन रहे हैं और यहां पे 36 आ रहा है, मतलब 31 जो है सबसे बड़ा संभव वैल्यू है, ठीक है। बाकी वैल्यू से भी बन जाएगा 36 जो ऑप्शन में दिया है, लेकिन हमें अधिकतम वैल्यू निकालना था तो हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू जो होगा वो 31 होगा। क्लियर? चलिए आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, यहां पे दिया जा रहा है फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स एंड द नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स इज 131, देन फाइंड हाउ मेनी सच नंबर्स इज पॉसिबल। किसी संख्या और उसके अंक को उलट कर प्राप्त की गई संख्या का योग जो है वो 132 है, तो पता लगाइए कि इस तरह की संख्या कितनी है। इस सवाल को सॉल्व करने के पहले मैं आपसे थोड़ा सा थ्योरी डिस्कस करना चाहता हूं। सबसे पहली बात, अगर कोई 2 डिजिट नंबर है जैसे कि 32, आप जानते हैं इसको मैं 30 प्लस 2 लिख सकता हूं, मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूं
कि अगर कोई टू डिजिट नंबर है, इसको मैंने x और y लिया, जिसमें y इसका इकाई का अंक है और x उसका दहाई का अंक है, तो इस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं 10x plus y। इसका यदि मैं रिवर्स कर दूं, तो आप जानते हैं रिवर्स करने पर ये जो नंबर है बन जाएगा yx, मतलब कि यहां पर 10y plus x आ जाएगा। यहां तक समझ में आ गई? तो दो अंकों के किसी नंबर की बात करें 32, तो ये 30 प्लस 2 लिखा जा सकता है। तो अगर संख्या एक्स वाई है तो 10x प्लस वाई होगा, रिवर्स करने पर 10y प्लस x हो जाएगा। ठीक, अब समझिए यहां से, यदि मैं इसका सम देखूं, तो क्या बनेगा? 10x प्लस x होगा 11x, 10y प्लस y होगा 11y, मतलब 11x प्लस 11y हो रहा है, तो 11 इंटू कॉमन यहां से निकल जाएगा बाहर x प्लस y, 11 इंटू x प्लस y। क्लियर? मतलब कि जब हम किसी संख्या के, मतलब दो डिजिट वाले, दो अंकों वाली संख्या का, ये क्या है, हम बात कर रहे हैं दो अंकों वाली संख्या का, केवल दो अंकों वाली संख्या की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, दो अंकों वाली संख्या की हम बात कर रहे हैं। यहां पर जब हम योगफल निकालते हैं, सम निकालते हैं, तो 10 इंटू एक्स प्लस 11 इंटू एक्स प्लस वाई होता है, और जब हम यहां से इसका डिफरेंस निकालते हैं, ठीक, डिफरेंस जब हम निकालते हैं, तो डिफरेंस निकालोगे 10x में से x जाएगा तो 9x आएगा, y में से 10y जाएगा तो 9x माइनस 9y आएगा, जिसमें से 9 कॉमन निकला तो अंदर आ जाएगा x माइनस y। तो एक छोटा सा नोट बना के रखिए कि जब हम सम यानी कि योगफल निकाल रहे हैं, तो योगफल बराबर होता है 11 गुने अंकों का योगफल, और डिफरेंस जब निकालते हैं तो 9 गुने अंकों का अंतर। ठीक है, तो दो चीजें यहां पर है। सबसे पहली बात, हम सम की बात कर रहे हैं, सम हिंदी वाले क्या लिखेंगे, योगफल निकालना है किसका किसका, संख्या का और उसके रिवर्स संख्या का। जब संख्या और संख्या के रिवर्स का योगफल हो रहा है तो यह होता है 11 मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ डिजिट्स, और अगर हमें डिफरेंस चाहिए इसका, दोनों नंबर का, मतलब किसका किसका, तो एक तो नंबर और नंबर के रिवर्स का, तो ये होता है 9 मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस ऑफ डिजिट्स, क्लियर है? यहां तक समझ में आ गई बातें? तो 11 गुने सम ऑफ डिजिट्स, डिफरेंस होता है 9 इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट्स, ये आपको समझना होगा। अब जब टू डिजिट्स की बात हो रही है तो ये होता है, थ्री डिजिट की भी बात कर लेते हैं, तीन अंकों वाली संख्या की अगर हम बात करें, थ्री डिजिट नंबर, तीन अंकों वाली संख्या की हम बात कर लेते हैं, तीन अंकों वाली संख्या, ठीक है, तीन अंकों वाली संख्या यानी कि थ्री डिजिट नंबर, तो देखिए तीन डिजिट नंबर यानी कि थ्री अंकों वाली संख्या का मतलब यह है, अगर ये एक्स वाई जेड है, सपोज एक्स वाई जेड है, तो इसको हम 100x प्लस 10y प्लस जेड के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके यदि मैं रिवर्स करूं, रिवर्स क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा जेड वाई और एक्स, जेड वाई एक्स को कैसे लिख सकते हैं, 100z प्लस 10y प्लस एक्स। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं, हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकालने जाएंगे अभी। डिफरेंस लेने पर क्या मिल रहा है, ये 100x है, इसमें से x कटेगा तो बचेगा 99x, ये 10y कट जाएगा, z में से इतना घटाओगे तो 99 का z बचेगा, मतलब कि ये हो गया 99 गुणे x माइनस z। तो इस चीज का नोट बना के रखिए कि कभी भी तीन अंकों वाली संख्या का जब हम अंतर निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, वो क्या होता है, तो वो होता है 99 गुणे पहली संख्या और यानी कि इकाई अंक और सैकड़े अंक का अंतर। रिपीट करता हूं मैं इंग्लिश में, जब हम किसी थ्री डिजिट नंबर का रिवर्स कर लेते हैं, रिवर्स करने के बाद डिफरेंस निकालते हैं, तो डिफरेंस बराबर क्या होता है, 99 मल्टीप्लाइड बाय यूनिट डिजिट में जो नंबर आए और 100 डिजिट में जो नंबर आए, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहां पर जो सवाल हम देख रहे थे, यहां पर एक सम ऑफ द नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स, तो किसका किसका सम है, योगफल
निकाल रहे हैं हम एक संख्या का और इसके रिवर्स का यानी वाई एक्स का। तो आप जानते हैं इसका जो सम होता है वो होता है 11 गुणे संख्या का योगफल यानी एक्स प्लस वाई, जिसका वैल्यू सवाल में दिया हुआ है 132। तो आप जानते हैं इसको 11 से काटेंगे तो ये बन जाएगा आपका 12। यानी कि सवाल में एक्स प्लस वाई जो है, एक्स प्लस वाई का मान दिया हुआ है 12। तो एक्स प्लस वाई को 12 बनाने का मतलब क्या है? क्या आप 1 और 11 ले सकते हैं? इसको नहीं ले सकते क्योंकि ये डिजिट है और डिजिट हमारे पास 0 से 9 के बीच में होता है। मतलब कम से कम मिनिमम जो वैल्यू आप यहां पे ले सकते हैं एक्स और वाई का, वो 3 से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। 1 3 है तो दूसरा 9 है तो 12 बनेगा। दूसरा क्या ले सकते हैं? तो 4 + 8 ले सकते थे। तीसरा ले सकते थे 5 + 7। इसके अलावा हम क्या ले सकते हैं? इसका रिवर्स ले सकते हैं 9 + 3 और 8 + 4 और इसका रिवर्स हो जाएगा 7 + 5। और एक नंबर जो रिपीट है, जो कि आपके आगे और पीछे तरफ से दोनों साइड से आपका 66 ही होगा, 6 + 6। तो 3 3 6 और 1 7, मतलब ऐसे 7 नंबर पॉसिबल है जिसका रिवर्स करने पर और जोड़ देने पर वैल्यू 132 बनता है। ऐसे 7 नंबर्स पॉसिबल है। क्या क्या है? 39 48 57 93 84 75 और 66। क्लियर? तो इस तरीके के सवाल में शॉर्ट ट्रिक क्या है, जब रिवर्स करके आप सम करते हैं तो 11 गुने सम ऑफ डिजिट्स जो है इसका सम होता है। चलिए अब कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देखते हैं जो हमने डिस्कस किया, क्या आपको ये बातें समझ में आई उसके ऊपर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है हमें निकालना है। 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर ऑड आर प्राइम नंबर्स देन देयर सम इज 15। 3 क्रमागत विषम संख्या यदि अभाज्य है तो इसका योगफल 15 होगा। तो ओनली 3 कंसेक्यूटिव नंबर जो कि प्राइम है, यानी कि केवल ऐसे 3 क्रमागत विषम संख्या जो अभाज्य है वो केवल क्या है? तो 3 5 और 7 है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो 3 + 5 + 7 करो, कितना आ रहा है? 12 आ रहा है, 15 आ रहा है। मतलब पहला स्टेटमेंट सही है, हमें निकालना था कौन सा सही नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट उत्तर नहीं होगा। रूट 7 इरेशनल नंबर है, बिल्कुल सही है, ये भी आप मार्क नहीं कर सकते। If a number is of the form 6n+1, n being a rational number, then it is a prime number. गलत है। यही आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 6n+1 वाले हर number अभाज्य नहीं होते। मैंने कहा था अभाज्य होने का condition क्या है, वो 6k + or -1 होता है। लेकिन सारे ऐसे number जो 6k+1 हो या 6k-1 हो वो अभाज्य हो, इस संभव नहीं है। और यहां तो केवल 6n+1 कहा हुआ है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी नंबर आप ले सकते हैं जो ऐसा हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 49 क्या है? 48 + 1 है। 48 को आप 6n, यानी कि इसको 6n+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें n बराबर 8 होगा, तो सी उत्तर हो जाएगा। When any two prime numbers greater than 2 are added, we will get an even number. जब 2 से अधिक कोई भी दो अभाज्य संख्या जोड़ी जाती है तो हमें एक सम संख्या मिलती है। 2 से बड़े कोई भी अभाज्य संख्या ले लीजिए, 2 से कोई भी बड़ी अभाज्य संख्या ले लीजिए, वो सारे क्या होते हैं? ऑड होते हैं, क्योंकि 2 सबसे छोटी भी संख्या है और 2 एक सम भी है, सम अभाज्य संख्या, केवल एक सम अभाज्य संख्या। तो 2 से बड़ी जितनी भी अभाज्य संख्या आप लोगे ये ऑड होंगे, और ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर करने पर इवन नंबर आता है। तो ये वाला भी स्टेटमेंट सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट गलत था? तो सी गलत था। चलिए इसमें से अब अगला सवाल है, कौन सा इनमें से टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, यानी अशांत और पुनरावृत्ति दशमल होगा। अपन अशांत भिन्न भी होना चाहिए और पुनरावृत्ति भी होना चाहिए डेसिमल का। तो ये कौन सा है आपको निकालना है? तो 80 वाला तो नहीं होगा, 6 ये तो पूरी तरह से काट रहा है, 16 ये भी नहीं होगा, 11 वाला उत्तर बन सकता है, 200 वाला नहीं होगा। ठीक, तो 11 वाला क्योंकि एक ऐसा अभाज्य संख्या जो 2 और 5 को छोड़कर बना है, ये होगा। यहां 6 भी 2 और 5 को छोड़कर बना है, इसमें 3 छुपा है, लेकिन ऊपर वाला नंबर पूरी तरह से कट गया तो फिर यहां पर रिपीटिंग कैसे हो सकता है? तो मैंने कहा था कि 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा प्राइम नंबर होना चाहिए, साथ में ऊपर वाले नंबर को पूरी तरह से ना काटे ये भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है, यहां पर दिया हुआ है, Which of the following is not an irrational number? इनमें से irrational number कौन सा नहीं है? तो ये जो है अंदर छुपा हुआ, ये 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करने से बना है और इसका आप फोर्थ रूट निकाल रहे हैं, तो ये तो निकल जाएगा, ये फंसा रहेगा, मतलब irrational number है। जो भी सर्ट्स होते हैं वो irrational number होते हैं। ये तो 5 बन गया, ये तो irrational number नहीं है,
तो यही उत्तर होगा। ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है। तो जितने भी सर्ट्स होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं, केवल रूट 25 जो है ये बाहर आ जाएगा 5 पूरी तरह से, तो इसलिए ये इरेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक, अगला सवाल है, यहां पे दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। हिंदी में मैं रिपीट कर लेता हूं, ऐसे दशमलव जो है, सारे दशमलव जो है इरेशनल नंबर के, यानी कि अपरिमेय संख्या के टर्मिनेटिंग होते हैं क्या, शांत होते हैं क्या, नहीं। अपरिमेय संख्या जो होती है वो रिपीटिंग भी होता है और साथ में अशांत भी होता है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग, जरूरी नहीं है, टर्मिनेटिंग भी होता है नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है। नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिपीटिंग होता है वो आपका रैशनल नंबर कहलाएगा। तो अपरिमेय संख्या में सारे टर्मिनेटिंग हो ये जरूरी नहीं है। अपरिमेय संख्या में नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग यानी कि पुनरावृत्ति भी ना हो और अशांत भी हो, इसे इरेशनल नंबर कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब, सी जो है आपका करेक्ट होगा इन सभी में। और लास्ट वाले में बोल रहा है रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, गलत है। रैशनल नंबर जो है वो आपका अशांत भी होता है, शांत भी होता है। अगर पुनरावृत्ति हो रही है तो अशांत वाला जो है वो आपका रैशनल नंबर कहलाता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग हो केवल ये संभव नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है। ए बी आर पॉजिटिव इंटीजर इफ ए प्लस बी इंटू ए बी बराबर 65 है, तो डिफरेंस बिटवीन ए बी क्या है। ए तथा बी धनात्मक पूर्णांक है, यदि ए बी ए प्लस बी प्लस ए बी 65 है तो ए और बी धनात्मक पूर्णांक थे, तो ए बी के अंतर क्या है यह हमें निकालना है। यहां पर रिपीट हो गया हिंदी में, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, दो बार लिखा गया है, एक ही बार आना चाहिए। तो देखिए इस तरीके के एक्सप्रेशन जब भी दिखते हैं तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट एल्जेब्रिक रूल बताना चाहता हूं, उसको नोट करके रखिए। एल्जेब्रा और नंबर सिस्टम जब कंबाइन हो जाता है तो बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। तो ये जो फॉर्मूला अभी हमने देखा वो एल्जेब्रा से ही बना हुआ है। इस फॉर्मूले को आप थोड़ा सा पहचान के रखिए कि इस तरीके के फॉर्मूले की पहचान क्या है। वन प्लस ए मैंने लिखा तो यहां पर 1 प्लस ए ही होगा। यदि मैं 1 प्लस ए में 1 प्लस बी का मल्टीप्लाई करूं तो यहां पर दो अलग अलग वैल्यूज है, यहां दो अलग अलग वैल्यू, तो 2 इंटू 2 क्या होता है 4 होता है। अब चार वेरिएबल इसमें निकल के आएंगे, पहला 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस ए और ये बी इसमें मल्टीप्लाई होगा तो पहले बी आएगा फिर ए बी आएगा, मतलब 2 से 2 इंटू 2 किए तो 4 आ गया। इसमें यदि मैं 1 प्लस ए 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस सी मल्टीप्लाई करूं तो एक बार सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई होगा, ए बी तो था ही था, इस पूरे में एक बार सी भी मल्टीप्लाई होगा तो कहीं ना कहीं सी इससे मल्टीप्लाई करने पर सी आ जाएगा, पिछले वाले में केवल ए बी था। अब एक बार बी सी भी आएगा, एक बार सी ए भी आएगा, तो यहां पर एक्स्ट्रा बी सी प्लस सी आता है और आखिर में एक ए बी सी आ जाएगा। अब इसमें देखिए कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 2 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, 8 टर्म यहां पे निकले, 2 और 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया 4 टर्म यहां पे, और 2 को 1 बार मल्टीप्लाई किया 2 टर्म यहां पे। तो पहले तो 1 प्लस ए था, अगले वाले में 1 प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी है, अगले वाले में यहां पे 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी है, फिर ए बी प्लस बी सी प्लस सी है और ए बी सी है। ठीक, तो ये थोड़ा सा एक्सपेंशन जो है इसको थोड़ा आप याद करके रखिए क्योंकि ये यूजफुल होता है, और कहीं ना कहीं जो सवाल आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, जो अभी मैंने आपको कराया है, वो इस फॉर्मूले से बना हुआ है, ये वाले फॉर्मूले से बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहां पर देखिए आपको क्या दिया था, ए बी और यहां ए बी, तो अगर मैं दोनों तरफ 1 जोड़ लूं तो 1 प्लस ए आ जाएगा प्लस बी आ जाएगा प्लस ए बी आ जाएगा, और 65 प्लस 1 करोगे 66 आ जाएगा। इसका एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी होता है, यही होता है। कैसे आया, अगर मैं यहां से बी कॉमन निकालू तो इसके अंदर भी एक प्लस बी बचेगा, यहां एक प्लस बी बचेगा, तो पहले वाले में से एक प्लस बी बाहर निकालोगे यहां 1 बचेगा और यहां पर बी बचेगा, तो ये 1 प्लस बी इस तरीके से। अब इसका वैल्यू क्या है 66, तो हमें ये निकालना था कि ए का वैल्यू क्या है और बी का वैल्यू क्या है, सच दैट ए और बी दोनों के दोनों 15 से छोटे हों। तो पहला इसको बाइफरकेट करने का तरीका है 1 × 66 हो, दूसरा है कि ये 2 × 33 हो सकता है क्योंकि ये पूर्णांक है, इंटीजर है, दूसरा सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, या फिर इसको 3 × 3 गुणे
22 होना पड़ेगा या फिर इसको 6 × 11 होना पड़ेगा इस तरीके से। अगर ये 6 है, अगर सपोज करिए मैं यहां 1 दे देता हूं तो a तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहां पर a क्या है, a पॉजिटिव इंटीजर्स है तो a 0 नहीं हो सकता था, साथ में 66 देने पर इसका वैल्यू 65 होगा, तो पहला वाला एलिमिनेट हो गया, ये पॉसिबल नहीं है। b को अगर हम 33 देते हैं, यानी इस a 1 प्लस b को अगर हम 33 देते हैं, सेकंड सॉल्यूशन की बात करें तो b जो है आपका 32 बन जाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि b जो है 15 से छोटा होना चाहिए। तीसरे वाले में देखोगे तो a तो सेटिस्फाई हो रहा है, जैसे इसमें भी a सेटिस्फाई हो रहा था कि 15 से छोटा और पॉजिटिव इंटीजर्स हो, लेकिन b को 22 देने पर, यानी a प्लस b को 22 देने पर b बन जाएगा आपका 21, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। बसता क्या है, तो एक ही बसता है कि अगर मैं यहां पर इसको 6 लूं, इसको 11 लूं, मतलब a का वैल्यू जो है वो बनेगा 5 और b का वैल्यू जो है वो बन जाएगा 10, और इन दोनों का डिफरेंस आपसे पूछ रहा था, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 5 का, तो c जो है सवाल का सही उत्तर होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी जो है, जो कहीं ना कहीं इस सवाल में छुपी हुई है, वो यहां पर हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा मैं यहां पर इन फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करूंगा, तो क्लासिफिकेशन के साथ हम यहां पर सवाल जो लगा रहे हैं, थोड़ा इंटीजर के बारे में भी हम पढ़े, थोड़ा फ्रैक्शन के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं। ठीक, तो प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन होते हैं जो एक से छोटा होता है, उचित भिन्न। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी विषम भिन्न ऐसे होते हैं जो एक से बड़े होते हैं, ये हम जान चुके हैं। तो हम इस प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में जो डिस्कशन हम किए थे, उसी के बारे में थोड़ा सा अभी मैं डिस्कशन आपसे करूंगा। सबसे पहली बात हमें क्या करना है, फ्रैक्शन में एक सवाल आता है आपसे कि बढ़ते हुए क्रम में जमाना या घटते हुए क्रम में जमाना, तो उसके लिए पहले एक प्रॉपर्टी आप देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इन सभी को आपको बढ़ते हुए क्रम में जमाना है। तो यहां पर आपको दो चीजें देखनी होगी जो प्रॉपर्टी में आपको बताने जा रहा हूं, सारे के सारे क्या है, तो सारे के सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है। 78-79 में डिफरेंस 1 का है, 8-9 में डिफरेंस 1 का है, यानी इसके अंश और हर में डिफरेंस 1 का है, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी, और जितने भी यहां पर स्क्रीन पे नंबर्स दिख रहे हैं ये सभी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, यानी कि उचित भिन्न है। तो ऐसे केस में क्या होता है, इफ द डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऑफ एनी टू प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट, देन द फ्रैक्शन विद ग्रेटर न्यूमरेटर इज लार्जर। हिंदी वाले लिखेंगे, यदि किसी दो उचित भिन्नों में के अंश और हर में के बीच का अंतर समान होता है तो अधिक अंश वाला भिन्न ही बड़ा होता है। बात समझ में आई, तो दो चीजें देखनी है प्रॉपर फ्रैक्शन में, कि प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर डिफरेंस का डिफरेंस सेम है, कोई भी दो प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी उचित भिन्नों में कोई दो उचित भिन्न दिए जिसके न्यूमरेटर यानी कि अंश और हर का अंतर समान है, तो जो अंश बड़ा होगा यानी जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन भी बड़ा होगा। तो यहां पर हमें क्या जमाना था, बढ़ते हुए क्रम में जमाना था यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो क्या करना है, सबसे छोटे से स्टार्ट करोगे, 8/11 सबसे, 9 सबसे छोटा होगा, उससे थोड़ा सा बड़ा होगा जिसका न्यूमरेटर बड़ा है, ये 21 वाला, उससे थोड़ा बड़ा 35, फिर ये 78 वाला, 83 और सबसे बड़ा 96/99। क्लियर है, ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन की बात। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसका ठीक उल्टा होता है। ठीक उल्टा का मतलब समझिए कि अगर मैंने यहां पर अरेंज करना है घटते हुए क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, ये सभी क्या है, तो ये विषम भिन्न है, क्योंकि 77/75 भी एक से बड़ा, 9/7 भी एक से बड़ा, 83/81 भी एक से बड़ा, सारे के सारे एक से बड़े। सेकेंड पॉइंट, इसमें भी सेटिस्फाई होना चाहिए कि इसका डिफरेंस 2 का है, इसका भी डिफरेंस 2 का, इसका डिफरेंस 2 का है, इसका भी डिफरेंस 2, 2, 2, सभी का डिफरेंस 2, 2 का है। तो ऐसे केस में जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन छोटा हो जाता है। क्लियर, यानी जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न छोटा हो जाएगा, ऐसे केस में जस्ट ऑपोजिट ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो नोट करिए यहां पे, इफ द डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ एनी टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट, देन द फ्रैक्शन विद ग्रेटर न्यूमरेटर इज स्मॉलर। यानी कि यदि किसी दो विषम भिन्नों के अंश और हर के बीच का अंतर समान होता है तो अधिक अंश वाला भिन्न छोटा हो जाता है। इस पॉइंट को आप नोट करिए, और इसी के तहत आप समझिए कि जिसका सबसे बड़ा छोटा अंश होगा वो भिन्न सबसे बड़ा हो जाएगा। तो 9 सबसे बड़ा हो गया, इसको घटते हुए क्रम में जमाना था, तो 9 से के बाद आएगा 21, फिर 35 वाला न्यूमरेटर, फिर 77 वाला, फिर 83, फिर 99। ये हो गया आपका घटते हुए क्रम, यानी कि कम होते हुए वैल्यू में इसको हमने जमाया।
चलिए इसके बाद समझिए, ये तो कुछ प्रॉपर्टी हो गई। जब हमारे केस में अगर सारे के सारे प्रॉपर फ्रैक्शन दिए हैं, सारे के सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिए हुए हैं और डिफरेंस सेम है, तो फटाफट आपका वैल्यू जो है इन दो प्रॉपर्टी के तहत हो जाएगा। लेकिन अब सोचिए कि अगर आपको ऐसे वैल्यूज दिया जाए जो कि ना कि प्रॉपर है सारे के सारे ना इम्प्रॉपर है, कोई भी फ्रैक्शन आपको दे दिया है, तब कंपैरिजन कैसे करना है? तो उसका रूल क्या कहता है, सपोज करिए कि हमारे पास दो फ्रैक्शन दे दिए गए, एक है a बाय बी, दूसरा है c बाय डी। तो कुछ करना नहीं है, डायरेक्टली आप d को यहां मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो d उठा के यहां मल्टीप्लाई होगा तो ए डी बन जाएगा, b उठा के यहां मल्टीप्लाई होगा तो सी डी बन जाएगा। ठीक, तो किसी भी दो भिन्न का तुलना कर रहे हैं हम, ए बी और सी डी को, तो हमने क्या किया, डी को उठा के यहां मल्टीप्लाई किया तो ए डी आया, B को उठा के हम मल्टीप्लाई किया तो BC आया। अब हमें देखना क्या है, हमें बस इतना ही देखना है कि इसमें क्या कंपैरिजन हो रहा है। अगर इसमें जो कंपैरिजन हो रहा है, यहां पर अगर AD बड़ा है BC से, तो फ्रैक्शन ये वाला बड़ा हो जाएगा इससे, लेफ्ट वाला वैल्यू यानी AD छोटा हो गया BC से, तो यहां पर भी लेफ्ट वाला वैल्यू छोटा हो जाएगा। और मजे की बात यह है कि जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो ये भी दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे। क्लियर, तो जो यहां पे कंपैरिजन हो रहा है वही कंपैरिजन यहां पे भी होगा। ठीक, चलिए इसी के तहत कुछ सवाल हम देखेंगे। उसके पहले आप इसको नोट करिए कि एक चीज और मैं यहां पर ऐड करना चाहता हूं कि अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं 1/2 और 1/3 का, तो आपको क्या करना है, मैंने ये चीज आपको पहले भी सिखाया था, आपको क्या करना है, 3 को यहां ले आना है और 2 को यहां ले आना है, तो इस तरफ 3 आ जाएगा, यहां पे 2 आ जाएगा, 3 जो है ये 2 से बड़ा है तो ये ऊपर क्या लग जाएगा, ऊपर भी ये बड़ा होगा। इस चीज को हम दो तरीके से समझ चुके हैं। एक तो सबसे पहली बात, 3 और 2 में जो बड़ा वैल्यू है इसका व्युत्क्रम ले लेते हैं हम, 1/3 और 1/2 कर लेते हैं, तो ये साइन रिवर्स हो जाता है। ये चीज मैंने आपको पहले बताया था सर्च इंडाइसिस में। अब ऐसे भी समझिए कि 1/2 और 1/3 का कंपेरिजन हो रहा है, तो 3 यहां पर आ जाएगा, 2 वहां चला जाएगा, तो जो कंपेरिजन यहां हो रहा है वही कंपेरिजन यहां होगा। दोनों चीज में एक ही चीज हम समझ रहे हैं, चाहे आप ऐसे करिए चाहे वैसे करिए। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आते हैं, कंपैरिजन करेंगे। यहां पर आपके सामने कुछ स्क्रीन पर वैल्यूज दिए हुए हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इनमें से सही क्या है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप इन सभी का डिनोमिनेटर का एलसीएम लेकर सॉल्व करिए, मतलब अगर ये 3, 5, 15 है तो सबको 15 बनाना होगा, 15, 15 और 15। ठीक, तो यहां पर जो 2 वाला था और 3 वाला था 11 वाला था, 2 वाले को अगर 3 वाले को हमने 15 बनाया तो मतलब हमने इसमें 5 मल्टीप्लाई किया होगा, तो ऊपर वाले में भी 5 मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 वाला 10 बनेगा। ठीक, इसको 15 बनाने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 3 करना होगा तो इसमें भी 9 आ जाएगा, इसको 15 बनाने के लिए 15 तो ये बन जाएगा 11। तो जो कंपैरिजन आपका यहां पे हो रहा है वही कंपैरिजन आपका न्यूमरेटर में ऊपर वाले में भी वैल्यूज में भी यही होगा, मतलब सबसे छोटा ये है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये। तो 3 वाला जो है सबसे छोटा होगा, 2 वाला वैल्यू और सबसे बड़ा वैल्यू ये वाला। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसका रिवर्स कर दीजिए, रिवर्स मतलब उल्टा, क्योंकि ऐसे में समझ में नहीं आ रहा, या फिर आप 3/2 लिख लीजिए इसको और यहां पे आप 5/3 लिख लीजिए और यहां पे 15/11 लिख लीजिए। इसका वैल्यू होता है 1.5, इसका वैल्यू 1.6666 इस तरीके से आएगा, इसका वैल्यू 1 जा जाएगा ये। ठीक, 1 जा के बाद में क्या आ रहा है, ठीक है, 1 जा के बाद लास्ट में क्या आएगा, 1 के बाद 4 रिमाइंडर बच रहा है, मतलब 0.3, और फिर यहां पर 4 के बाद 7 बचेगा तो 6, 1.36। तो सबसे छोटा जो वैल्यू है वो ये है। तो एक्चुअल में यहां पर जब हमने रिवर्स कर दिया, मतलब एक्चुअल में सबसे बड़ा वैल्यू ये वाला था और सबसे बड़ा वैल्यू यहां ये दिख रहा है, तो सबसे छोटा वैल्यू ये वाला था, तो एक्चुअली 3/5 सबसे छोटा हो जाएगा, मतलब यहां जो वैल्यू रिवर्स में रिवर्स करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है उसमें सबसे छोटा वैल्यू सबसे बड़ा वैल्यू बन जाता है रिवर्स करने पर। उसी चीज का फायदा हम उठा रहे हैं कि व्युत्क्रम लेने पर, रेसिप्रोकल लेने पर आप देखेंगे कि जो यहां पर आपका सीक्वेंस चलेगा उसका ठीक उल्टा सीक्वेंस इसके रिवर्सल में चलेगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल है, तो यहां पर जो नंबर्स हैं अगेन इसका आप रिवर्स कर लीजिए, 71/3 और 91/5 और एक और है 99/7। तो इसका वैल्यू क्या है बताइए, बन जाएगा आपका 69 से जाएगा ना, 23 टाइम्स 23.6 आएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 18.2 और इसका वैल्यू हो जाएगा 14.14 के आसपास कुछ वैल्यू इसका आएगा। तो सबसे छोटा ये वैल्यू है और उससे बड़ा ये वैल्यू है, उससे बड़ा ये वैल्यू है। तो एक्चुअली में जब इसका रिवर्सल होगा, यहां पर ये साइन लग रहा है, तो रिवर्सल करने पर
ये साइन उल्टा लगेगा, मतलब ये पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है, तो इसको मैं ग्रीन कलर में मार्क करता हूं कि सही है। सेकेंड वाले स्टेटमेंट की हम बात करें एक बार और, यहां पे दिया हुआ है कि ये 11 बाय, तो इसका रिवर्सल आप कर लीजिए। रिवर्सल मतलब यहां पर आप यहां पे उल्टा लिख सकते हैं इसको, व्युत्क्रम इसका रेसिप्रोकल, सॉरी रिवर्सल नहीं रेसिप्रोकल, मतलब यहां पर आप क्या लिख सकते हैं 135 डिवाइडेड बाय 11, अगले वाले में लिख सकते हैं 157 डिवाइडेड बाय 12, और लास्ट वाले में आप क्या लिखेंगे 181 डिवाइडेड बाय 13। 11 से काटोगे तो 1 11, फिर 25 आ रहा है तो 12, 3 बचा तो 2 12.2, 12 से काटोगे तो 136 आ रहा है तो 13.1 आ रहा है, तो कुछ आगे 6 के आसपास वैल्यू जाएगा। 13 से काटोगे तो 13 एकम 13 के बाद 51 आ रहा है, मतलब लगभग 13.9 के आसपास रहेगा। ये कितना है 13. अगर इसको हम देखें तो 13.2 या 3 के आसपास रहेगा इसका वैल्यू, ठीक। मतलब यहां पर ये साइन लग रहा है लेस देन, तो इसका जब रिवर्स होगा तो ग्रेटर देन लगेगा, मतलब ये सेकंड स्टेटमेंट जो है ये भी कहीं ना कहीं सही, मतलब पहला और दूसरा स्टेटमेंट जो है दोनों के दोनों जो है यहां पर सही है। तो आप आंसर क्या करोगे, बोथ 1 और 2 आर करेक्ट। तो ये भी तरीका है कि आप इसका रेसिप्रोकल लीजिए, रिवर्स करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है उसमें जो कंपैरिजन हो रहा है उसका उल्टा कंपैरिजन इसके व्युत्क्रम में होगा, ठीक है। अब ये बहुत ही बेहतरीन एक सवाल मैंने लिया हुआ है जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, मैंने यहां पर कुछ नया तरीके से उसी सवाल को क्रिएट किया है, ठीक। तो आइए समझते हैं, जब तक वैल्यू इस तरीके से रहेगा इसका कंपैरिजन करना थोड़ा मुश्किल है। तो एक्चुअली यहां पर वैल्यूज जो है 100 है, यहां 99 है, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, इसको मैं करेक्ट कर लेता हूं। इसको हम 100 बना लेते हैं, इसको बना लेते हैं 99, ठीक है 99 और 101, इस वाले को 100 बना लेते हैं, ये बन जाएगा 101, और ये 100 × 102 है, हिंदी में टाइपिंग एरर था उसको मैंने करेक्ट किया, ठीक है। तो इसका कंपैरिजन ना करके हम इसके व्युत्क्रमों को कंपेयर करेंगे, मतलब उल्टा करके कंपेयर करेंगे, तो 99 × 101/100 हो जाएगा आपका P, ये आपका P हो गया, यानी 1/P हो गया, सॉरी। और इसका रिवर्स करोगे तो बन जाएगा 100 × 102/101, अगले वाले वैल्यू में 101 है तो 101 को उल्टा कर देंगे तो 101 आएगा। अब तीनों का कंपैरिजन करना जरूरी है, कैसे कंपैरिजन किया जा सकता है, देखिए थोड़ी सी चीजें यहां समझते हैं। मैं क्या करूंगा, ये जो 101 है इस 101 को मैं 100+1 लिख लूंगा, ठीक। ये जो 102 है इस 102 को मैं क्या लिख सकता हूं, 101+1 लिख सकते हैं, उसको एज इट इज रहने देते हैं, ठीक। अब जैसे ही आप इस ब्रैकेट को खोलोगे तो कहीं ना कहीं यहां 1+1/100 बन जाएगा, ये ब्रैकेट खोलने पर ये 100 इसको काटेगा एक बार और 1/100 बन जाएगा, मतलब कि ये जो पहला वैल्यू है इस पहले वैल्यू को मैं लिख सकता था 99 × 1+1/100, ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर 1 × 101+1 ऐसा लिख सकते थे, जिसको हम अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो यहां पर जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 100 × ठीक है 100 × यहां पे आ जाएगा 1+100/101, ठीक। अब सॉरी यहां पे 1 आएगा ऊपर में, अगेन सॉरी 1 आएगा ये। अब समझिए यहां पर 99 × ये वैल्यू, तो अगर मैं ब्रैकेट खोलूं तो कहीं ना कहीं 99 दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो अगर मैं ब्रैकेट खोल दूं तो ये 99 यहां दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां 99 + 99/100 होगा। और दूसरी बात, अगर मैं यहां पे 100 लिखूं अंदर तो ये 100 पहले दूसरे दोनों में मल्टीप्लाई होगा, मतलब यहां भी 100+100 और यहां पे 101 आएगा, ठीक है। अब यहां से समझने की कोशिश करिए क्या दिया हुआ है। अगर मैं पहले वाले वैल्यू को देखूं तो 99 और ये 100, तो 99 जो है वो कहीं ना कहीं आपके 100 से छोटा होता है, इन दोनों में तो क्लियर है। दूसरी बात, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, इन दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन में एक का डिफरेंस, इन दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन में एक का डिफरेंस, तो जो 100 वाला वैल्यू है वो ज्यादा बड़ा होता है 99 से, मतलब ये 99 भी छोटा है 100 से और 99 भी छोटा है, ये वाला जो फ्रैक्शन है वो भी छोटा है, मतलब कुल मिला के सेकेंड वैल्यू पहले से बड़ा होगा, ये तो क्लियर हो गया। आखिर में एक वैल्यू यहां पे बचा हुआ है, तो सपोज करिए कि मैं यहां पे इसको 101 ना लिखकर लिख लेता हूं 100+1, ऐसा तो लिख ही सकते हैं, तो ये 100 और 100 तो बराबर बराबर हो गए,
प्लस का यहां एक है और यहां पर एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न एक से छोटा होता है, तो पूरा का पूरा नंबर जो है इससे छोटा हो जाएगा। यानी हम ये रिलेशन फाइंड कर रहे थे कि 1 बाय पी जो है ये क्या है, 1 बाय पी जो कंपेयर हमने किया वो 1 बाय पी का किया था, मतलब 1 बाय पी जो है वो छोटा है 1 बाय क्यू से और वो छोटा है 1 बाय आर से। तो जब कंपैरिजन की बात होगी तो पी सबसे उल्टा हो जाएगा, पी सबसे बड़ा होगा, फिर क्यू आएगा, फिर आर आएगा, मतलब बी जो है सवाल का सही उत्तर है। ठीक, तो जो चीजें हम सीख रहे हैं उसको कैसे कनेक्ट करना है वो आप समझ पाए होंगे यहां पे। चलिए अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर है, इसको सॉल्व करिए। उम्मीद करता हूं कि आपसे बन जाना चाहिए। ये काटा पीटी सीरीज के तरह ही है सवाल। पहला वाला जो वैल्यू है बन जाएगा 3/2 मल्टीप्लाइड बाय दूसरा वैल्यू जो है ये बन जाएगा आपका 4/3। सेकेंड थर्ड ब्रैकेट में आओगे तो ये बन जाएगा 5/4 और आगे बढ़ते रहोगे तो यहां पर लास्ट वाला वैल्यू आ रहा है, ये बन रहा है 999/998। ठीक है, और ये मल्टीप्लीकेशन में सारी चीज। तो यहां पर अगर हम इसको कट करते हैं तो वैल्यू क्या आ रहा है, ये 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कटेगा, 998 से पिछला 998 कट जाएगा। तो वैल्यू क्या बचा, तो 999/2 हुआ जो कि होता है 40, 4 बार जाएगा फिर 9 आएगा, 19 बनेगा, 49.9.5 कुछ आ रहा है वैल्यू इसका। मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला वैल्यू जो है 49.499.5 है जो कि इससे बड़ा है, इससे बड़ा है। तो बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं है, तो हम इसको ट्रू मानेंगे। इसमें से कौन सा सही है निकालना था, तो पहला स्टेटमेंट तो वाकई में सही है। अब आते हैं हम दूसरे वाले स्टेटमेंट का डिस्कशन करने। सेकेंड वाले स्टेटमेंट में आप देखेंगे तो मिक्स्ड फ्रैक्शंस है, क्या है, मिश्रित भिन्न है। और मिश्रित भिन्न के जोड़ और घटाव में आप सीख चुके हैं कि क्या करना पड़ता है, तो इसके पूर्णांकों को अलग जोड़ लीजिए और भिन्न वाले पार्ट को अलग जोड़ लीजिए। तो 14+5 करोगे 19-2 यानी 17 आ रहा है, और यहां से देखोगे तो 3/4 और 1/4 -1/4 मतलब टोटल 3/4 है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू इतना है। राइट हैंड साइड वाले वैल्यू की बात करें तो 11+12 -7 करना है। 11+12 करोगे तो और -7 करोगे मतलब इसमें कुल 4 जोड़ना है, मतलब 16 आएगा। और फ्रैक्शन वाले पार्ट की बात करें तो 1/8 + 3/8 और माइनस का 1/4 है, तो 1/8 + 3/8 करोगे तो ये बन जाएगा 4/8। 4/8 का मतलब क्या है, आधा, 1/2 और 1/2 में 1/4 माइनस करोगे तो 1/4 बचेगा। तो बताइए 17 3/4 बड़ा कि 16 1/4 बड़ा। आपका जवाब होगा कि यही बड़ा है, मतलब यहां पे ग्रेटर देन साइन आना था। मतलब एक बार फिर से हमारा जो है राइट है ये स्टेटमेंट, सेकेंड वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो आप बोथ 1 और 2 को उत्तर देंगे इस सवाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर। यहां दिया हुआ है कि इन एक्सप्रेशन में बराबर अगर k है, ये पूरे एक्सप्रेशन का मान k है, तो आपको इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है 1/4, 1/6, 1/8, 1/40 का। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को देखने पर क्या समझ में आ रहा है, यहां पर यही समझ में आ रहा है कि पहला वाला जो एक्सप्रेशन था इसमें यहां 1 के बाद आधा था, फिर 1/3 था, 1/4 था, 1/20 क्या। इस 1/4 में हमने 2 से डिवाइड किया तो ये बन गया। इस 1/3 में हमने 2 से डिवाइड किया तो 1/6 आ गया। इस 1/4 में 1/2 से डिवाइड किया तो 1/8 आ गया। इस तरीके से चल रहा है, आखिर वाले को 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा। तो कहने का मतलब अगर मैं पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर लूं तो वैल्यू बन जाएगा। मतलब कि देखिए मैं यहां पर क्या करूंगा, इस पूरे वैल्यू को जो हमें फाइंड करना है इसको थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं x। इसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को 2 से डिवाइड करूं तो यहां पर भी मुझे 2 से डिवाइड करना होगा। तो ये 1/2 तो ठीक है, 1/2 तो ठीक है, प्लस करोगे तो आगे का जो इतना वैल्यू है ये कहीं ना कहीं यही बन जाएगा, मतलब जो फाइंड करना है वो बन जाएगा। मत समझ पाए, मैं ये कह रहा हूं कि जो फाइंड करना है उसको थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेते हैं, क्योंकि यहां मुझे फिर से सारी चीजें लिखनी होंगी, तो मैं एक्स मान रहा हूं इसे। अगर मैं पूरे को आधे से डिवाइड कर लूं और तो ये भी आधे से डिवाइड होगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में सेम ऑपरेशन होना चाहिए। इसके बाद ये जो 2 है वो यहां तो डिवाइड हो जाएगा हाफ, और इसका पूरा आधा करने पर यही वैल्यू बनेगा, मतलब कि एक्स बन जाएगा, हाफ प्लस एक्स बराबर k/2 आ गया। सिंपल। अब x का वैल्यू क्या हुआ बताइए, x का वैल्यू हो जाएगा, इसको दूसरे तरफ भेजेंगे तो k
माइनस का एक बटा टू, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, के माइनस एक बटा दो, यानी कि डी जो है इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दो आसान से सवाल ले लेते हैं। यहां पे दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन 1/4 ऑफ अ नंबर एंड 1/5 ऑफ अ नंबर इज 3, देन फाइंड द नंबर्स। एक संख्या का 1/4 और उसके 1/5 हिस्से का अंतर यदि 3 है तो संख्या क्या है? तो संख्या का 1/4 मतलब x बटा 4, संख्या का 1/5 मतलब x बटा 5। इन दोनों का जो अंतर है वो 3 के बराबर है, मतलब नीचे अगर मैं 20 लूं तो 5x माइनस 4x करोगे तो x आएगा जो कि 3 के बराबर है, मतलब x का वैल्यू क्या हो गया, x का वैल्यू हो गया 60। क्लियर, तो बी जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक आखिरी सवाल और लेंगे, उसके बाद फिर इस सेशन को जो नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन है वो हम कंप्लीट करेंगे। देखिए ध्यान दिया हुआ है, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस ऑफ द न्यूमरेटर। व्हेन द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3 एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 3, द फ्रैक्शन बिकम्स 2/3। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिनोमिनेटर एंड द न्यूमरेटर ऑफ द ओरिजिनल फ्रैक्शन? एक भिन्न का जो हर है एक अंश के दुगने से, अंश के दुगने से 4 गुना अधिक है। 4 गुना नहीं होगा, 4 अधिक होगा, यहां पे 4 गुना गलत लिखा हुआ है। तो एक भिन्न है जिस भिन्न का जो फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर जो है, ठीक है, डिनोमिनेटर 4 ज्यादा है न्यूमरेटर से के दुगने से, तो न्यूमरेटर को एक्स लेते हैं तो इसके दुगने से 4 ज्यादा होगा, तो ये इसका न्यूमरेटर है। मतलब देखिए न्यूमरेटर क्या हुआ तो x हुआ, डिनोमिनेटर क्या हुआ तो 2x प्लस 4 हुआ, ये पहला स्टेटमेंट। जब अंश को हम 3 से बढ़ा देते हैं, न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3, तो हमने इसको 3 से बढ़ाया, और डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 3, ठीक है, और हर को 3 से कम किया जाता है तो माइनस का 3, तो भिन्न जो है वो 2/3 हो जाता है, मतलब 2/3 बन जाता है। तो हमें निकालना क्या था कि इनके दोनों का बीच का अंतर, तो पहले आपको क्या करना होगा, x निकालना होगा, न्यूमरेटर आ जाएगा, डिनोमिनेटर आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस हमें निकालना होगा। तो सिंपल सही सवाल है, यहां पर जो वैल्यू है ये बन जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा, ये 2x प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 3 यहां जाएगा तो 3x प्लस 9 आएगा, 2x प्लस 1 यहां जाएगा तो हो जाएगा 4x प्लस 2। कहने का मतलब 2 मतलब कि 3x में से 4x माइनस हुआ तो x बचा, 9 में से 2 गया तो 7 बचा, ठीक, ये प्लस का 2 है, प्लस का 2 है, तो मतलब ये x का वैल्यू 7 है। x का वैल्यू अगर 7 हुआ मतलब न्यूमरेटर इसका 7 था और डिनोमिनेटर था 14 प्लस 4 मतलब 18। तो हमसे तो यही पूछ रहा था कि 7 और 18 में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था तो 7/18 था। हमसे ये पूछ रहा था कि इन दोनों में, यानी कि इसका जो मूल अंश है इसके हर और अंश का डिफरेंस क्या है, मूल भिन्न है, सॉरी मूल भिन्न, यानी कि इसका जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है उसमें अंश और भिन्न का अंतर क्या है, 7 और 18 का डिफरेंस जो है वो है 11, जिसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो को हम यहां पे रोकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आपके लाइक सब्सक्राइब और शेयर से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम और अच्छा कंटेंट आपके सामने लाते हैं। ठीक, तो नंबर सिस्टम जैसे कि मैंने आपको इंट्रो वीडियो में भी समझाया था, एक थ्योरी बेस्ड टॉपिक है, तो पेशेंस रखिए क्योंकि ये जानना जरूरी है, ये जानने के बाद ही हम किसी टॉपिक में जाएंगे, क्योंकि वहां अगर हम कोई ऐसे नंबर्स का कैलकुलेशन देख रहे हैं जहां पे मैंने कुछ कैलकुलेशन कर दिया जो आपको समझ में नहीं आया, तो मैं वहां पे टाइम फिर से नहीं स्पेंड करना चाहता, इसलिए मैं सारी चीजें जो समझाना चाहता हूं कैलकुलेशन बेस्ड वो यहीं सीखना जरूरी है। तो धीरे धीरे से हम स्पीड भी बढ़ाएंगे, ठीक है, और अच्छा खासा प्रैक्टिस आपका हो रहा होगा। कल फिर सैटरडे है, इसके बाद फिर इस हफ्ते का जो भी क्वेश्चंस आपको दिया गया है इससे एक्स्ट्रा जो सवाल आप करना चाहते हैं प्रैक्टिस, वो कल आपको दे दिया जाएगा पीडीएफ कंपटीशन कम्युनिटी के वेबसाइट पे, और साथ में आप टेलीग्राम चैनल भी जुड़े ताकि आपका सारे नोटिफिकेशन वहां पे हम आपको टाइमली जो दे रहे हैं वो आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच, इस वीडियो को यहां रोकते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जो कि नंबर सिस्टम के रिलेटेड ही होगा। कुछ और चीजें हमें सीखना है यहाँ नंबर सिस्टम में, बहुत सारी चीजें हैं, एलसीएम एचसीएफ भी है, डिविजिबिलिटी रूल भी है, और यूनिट डिजिट फाइंड करना है, ठीक है, फैक्टर थ्योरम, फैक्टराइजेशन से रिलेटेड कुछ है, रिमाइंडर थ्योरम है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो यहां पर हमें सीखना है। तो कुछ समय और लगेगा नंबर सिस्टम कंप्लीट करने में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।